चलिए स्टार्ट करते केस स्टडीज. केस स्टडीज द मोस्ट अवेटेड पार्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये चैप्टर 13 में इन्होंने एक बहुत वंडरफुल चार्ट बनाया है जो एक्चुअली आपके पूरा सिलेबस का ओवरव्यू है. आई लाइक रियली लाइक दिस चार्ट. कुछ कुछ इसमें छूट गया है बट दे हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर. कुछ कुछ छूटा है बट ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर. अगर आप थोड़ा सा और समय इन्वेस्ट करें ना इस चार्ट के डायरेक्शन में आप शायद पूरा सिलेबस को इस चार्ट में ला सकते हैं. थोड़ा मेहनत का काम है कि जो जो अनटच्ड एरियाज है उसके अंदर भी आपने जो उसका स्कोप ऑफ स्टडी है उसको डाल दिया, पूरा सिलेबस एक चार्ट में आ जाएगा. एनीवेज बेसिकली केस स्टडी देखिए एक अलग सेगमेंट बनाया गया आपके सिलेबस में जिससे मुझे जहां तक भनक है कि 25 मार्क डेडिकेट होना चाहिए. और ये बात कहां लिखी हुई थी, जब सिलेबस आया था तब लिखी हुई थी, इस मैट में कहीं नहीं लिखी हुई है. अब वो 25 मार्क एक्चुअली इसी चैप्टर से ही आएगा ऐसा नहीं बोल सकते. केस स्टडी के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हर चैप्टर में थोड़े थोड़े जगह जगह बैठे हुए, तो यू कैन नॉट अज्यूम कि इसी चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उससे ही 25 मार्क क्या आ रहे. वो जगह जगह बैठे हुए सब इकट्ठा करोगे तो वैसे तरह के क्वेश्चन 25 मार्क के आ जाएंगे. ठीक, केस स्टडी का जो बेसिक आउटलाइन है जो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये आउटलाइन एक बार पढ़ते हैं. और एक्चुअली ये यू नो सीमा का पूरा गाइडलाइंस छापा हुआ है. CIMA का जो केस स्टडी एग्जाम होता है उसका गाइडलाइन भी यही बोलता है. जैसे पहला बात, केस स्टडी इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज अबाउट क्वालिटी. मतलब यू मे नॉट चूज टू राइट मोर, यू मे चूज टू राइट लेस, बट राइट कॉन्क्रीट. द साइज ऑफ द आंसर इज नॉट सपोज टू बी प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स अलॉटेड. ठीक, दूसरा, प्रिपेयर अ प्लान फॉर ईच इशू. नाउ व्हाट इज दिस? केस स्टडी क्वेश्चंस का खासियत होता है, केस स्टडी क्वेश्चंस का खासियत होता है केस स्टडीज क्वेश्चन का खासियत होता है विल ऑलवेज गिव सम इश्यूज दैट कंपनी इज फेसिंग. विल ऑलवेज गिव सम इश्यूज दैट कंपनी इज फेसिंग. इश्यूज मतलब चैलेंजेस, समस्या दैट कंपनी इज फेसिंग विल ऑलवेज गिव. यू हैव टू आइडेंटिफाई इट. वी नीड टू आइडेंटिफाई इट. मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आइडेंटिफाई कर लेना होगा वाइल रीडिंग द क्वेश्चन. तो मैं अभी आपको कुछ केस स्टडीज पढ़ के दिखाऊंगा कि रीड करते करते देखिए कहां पे इन्होंने अपना तकलीफ बताना शुरू कर दिया. पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको. उन इश्यूज का लिस्ट आपको तैयार करना होगा. इन आंसर्स वी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द इश्यूज. अब हम लोग जब सीमा एग्जाम देते थे तो उधर तो एक और कंडीशन रहता था, बोलता था इश्यूज का रैंकिंग करो, प्रायोरिटाइज करो कि किस इश्यू को आप पहले रिजॉल्व करोगे. और उसमें जनरली कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता था.
गाइडलाइंस में लिखा रहता था यू कैन राइट एनी इशू एज फर्स्ट बट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक दैट दैट इज द फर्स्ट इशू. इफ यू आर एबल टू कन्विंस इन योर आंसर दैट दिस इज द फर्स्ट इशू दे विल एक्सेप्ट इट. मतलब सीमा एग्जाम में क्या होता था यू नो केस स्टडी के क्वेश्चंस का आंसर दो बार इवेल्युएट होते थे. मतलब आंसर पेपर जो हम लोग देके आते थे उसमें दो कॉलम बने हुए होते थे फर्स्ट एग्जामिनर्स मार्क्स सेकंड एग्जामिनर्स मार्क्स. एक पेपर को दो बार वो लोग चेक करवाते थे जिससे कि बच्चों के साथ अनहोनी नहीं हो जाए. यहां तो एक बार भी ढंग से चेक होगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है. इतना ट्रेनिंग हम स्टूडेंट लोग तो ले रहे हैं जो एग्जामिनर है वो इतना ट्रेनिंग लेगा कि नहीं चेक करने का हमें पता नहीं है यहां पे. बट केस स्टडी का बहुत सारा डायनामिज्म है और वो डायनामिज्म ही मैं आपको यहां पे बता रहा हूं. इन आंसर्स वी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द इश्यूज. वो प्रायोरिटाइजेशन का पंगा अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें नहीं दिख रहा है. बट खाली ये पॉइंटर नहीं बनना आपको ये इशू है ये इशू है ये इशू है. वी हैव टू ऑलवेज रेकमेंड द सोल्यूशन लिस्ट ऑफ द इशूज. अच्छा लिस्ट के बाद एक्सप्लेनेशन देना होगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ इश्यूज कि मैटर एक्चुअली है क्या. लिस्ट में आप हेडिंग बना रहे हो उसको फिर एक्सप्लेन कर रहे हो. लिस्ट को आप एक्सप्लेन कर रहे हो. एक्सप्लेन करने के बाद उसका रिकमेंडेड सॉल्यूशंस निकाल रहे हो. रिकमेंडेड सॉल्यूशंस बता रहे हो और उन रिकमेंडेड सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहे हो. बेस्ट चॉइस बता रहे हो विथ रीजन कि व्हाई विथ व्हाई दैट इज द बेस्ट चॉइस. विथ रीजन आपको बेस्ट चॉइस बताना होगा कि दिस सीम्स द बेस्ट सॉल्यूशन एंड उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके भी स्टेप्स देने होंगे. इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर करना होगा. और उसके बाद एक और हो सकता है कि पूरा चीज को लेके प्रेजेंट इट इन रिपोर्ट और ईमेल. प्रेजेंट इट इन रिपोर्ट और ईमेल. पिछले दिन हमने किया था ना रिपोर्ट और ईमेल के ऊपर केस स्टडीज. आपको ट्रिक समझ में आ रहा है. लिस्ट ऑफ इश्यूज चाहिए. एक्सप्लेनेशन ऑफ इश्यूज चाहिए. रेकमेंडेड सॉल्यूशन चाहिए. बेस्ट चॉइस विथ रीजंस चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन चाहिए और उसका रिपोर्ट और ईमेल बनाना आना चाहिए. मतलब ये बेसिक क्राइटेरिया है. अब आपका अगर क्वेश्चन कुछ और चाहता है तो बात अलग है. वो जो चाहता है फिर वही बताएंगे. अदरवाइज आपको ये बताना पड़ता है. ठीक है. एक बार वापस आ जाइए. प्रिपेयर अ प्लान फॉर ईच इशू. डिसाइड व्हाट मॉडल्स टू यूज एंड प्रायोरिटाइज द इश्यूज. प्रायोरिटाइज के ऊपर बोल तो रहा है बट उसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक हमने पूछा नहीं है. यहां पे कहीं है नहीं. ये पूरा वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है. उनके जो गाइडलाइंस थे एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट किए हुए. फिर आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट. जो मैं एक्सप्लेनेशन लिखा ना इश्यूज का एक्सप्लेनेशन दीजिए तो उसका इम्पैक्ट ही तो एक्सप्लेनेशन है ना. एक्सप्लेनेशन माने इम्पैक्ट. एक्सप्लेनेशन और इम्पैक्ट एक ही चीज है. इम्पैक्ट ऑफ इश्यूज आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक. फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना है. देन एज वेल एज ऑल्टरनेटिव एक्शंस. वही रिकमेंडेड सॉल्यूशंस बताना है रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशन के साथ. आंसर शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो. मतलब ऐसे नहीं कि पहले सॉल्यूशन दे दिया फिर इशू एक्सप्लेन कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑफर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द इशूज एंड कंक्लूड विद साउंड वेल जस्टिफाइड रिकमेंडेशंस. जस्टिफाइड रिकमेंडेशन मतलब बेस्ट चॉइस विद रीजन. नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन कैलकुलेशन. Do not place too much attention and time on the presentation. ये absurd बात है बट ठीक है बोल रहे तो मान रहे.
क्वालिटी ऑफ डिस्कशन ऑफ ऑन ईच इशू विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट द रैंकिंग ऑर्डर. जैसे अब मान लीजिए 6 इशू निकल आए, तो 6 का 6 को इलेबोरेट करना जरूरी नहीं. जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है उसी को आप इलेबोरेट करके आइए एग्जाम में. समय के अंदर आपको आंसर लिखना होता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. सो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट था, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन ऑन ईच इशूज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसी पे आप ज्यादा इलेबोरेट करें. जो ज्यादा इम्पैक्टफुल है उसी पे जो ज्यादा इम्पैक्टफुल है उसी पे ज्यादा डिस्कशन होगा. फिर डू नॉट डिस्कस ईच ऑफ द इशू इन डेप्थ एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट. फिर अपने बात को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, नॉनसेंस बात है ये, बात नॉनसेंस है, नॉनसेंस. अभी बोला क्वालिटी इशू पे बात करिए और फिर अभी बात बोलते हैं कि सबके ऊपर बात करिए. डू नॉट लीव एनी ऑफ द इशू अनडिसाइडेड. रिकमेंडेशन शुड इंक्लूड व्हाट टू डू, व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू. आइडेंटिफाई एथिकल इशूज ऑल्सो. एथिकल इशूज मतलब ह्यूमन सेफ्टी रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सेट्रा. देन एंड देन ब्रीफली जस्टिफाई. रिकमेंडेशन शुड अपियर एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट. एंड फिर एक और नॉन सेंस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस मतलब यही बोलना चाह रहे हैं यार कि आपको पढ़ना पड़ेगा केस स्टडी. आप अगर सोचोगे कि अब हम तैयार हो गया एग्जाम में, हम बैठ जाएगा खाली गाइडलाइन पढ़ के, नहीं होगा. यू हैव टू रीड इट इन योर वर्जन. तुम लोग पहला दूसरा तो कम से कम अपने साथ में करते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ केस स्टडीज आर हैंडल्ड. बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 केस स्टडी पहला तो बहुत अच्छा है. मैं ऐसा करता हूं, समय बचाने के लिए थोड़ा हिंदी में बताता हूं और आप साइड साइड में कुछ लिख चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आपका रीडिंग टाइम बच जाएगा घर में. ये कंपनी है, ये कंपनी है मैट, आप लोग के पास है ना मैट, में फॉलो करिए आप, अपना ग्लांस मैट में रखिए. ये कंपनी है सन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का, जिसके 30 स्टोर्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो मैं कीवर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं वो भी आप कर सकते हैं. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं. दे सेल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर. नाउ इनका जो मॉडल है वो बहुत ही ट्रेडिशनल मॉडल है. कैसा कि स्टोर मैनेजर जो होते हैं उनको जो भी आइटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए वो लोग मंथली बेसिस में सेंट्रलाइज्ड टीम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और वन स्टोर कैन सेंड ओनली 1 रिक्विजिशन पर मंथ. समझ रहे हैं, 1 महीना में आप 1 रिक्विजिशन भेजेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम को, वो जो मुंबई में सिचुएटेड है वहां से आपके पास आपका स्टोर के लिए जो जो गुड्स आपको चाहिए बेचने के लिए वो मिल जाएगा. और फिर देखना रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर्स जो आप सेंट्रलाइज टीम को भेज रहे हो वो एक्चुअली वेयर हाउसिंग टीम है. वो लोग उसको फॉरवर्ड कर रहा है प्रोडक्शन प्लानिंग टीम को, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. ध्यान दीजिएगा, एंड वंस द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फिर सारा गुड्स बन के वापस वेयर हाउस में आएगा. गुड्स आर सेंड टू वेयर हाउस इन मुंबई एंड आर डिस्पैच टू डिफरेंट स्टोर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. ये पूरा डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, इनके यहां पे पुल सिस्टम चल रहा है. पुल सिस्टम, पुल सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जहां पे जरूरत है उनका रिक्वेस्ट आने दो, फिर रिक्वेस्ट को हम इकट्ठा करके प्रोडक्शन करेंगे और वेयर हाउस में पहुंचा के फिर तुरंत डिस्पैच करा देंगे. द टाइम टेकन फ्रॉम प्लेसिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टोर टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द स्टोर टेक्स अबाउट 30 to 40 days ऑन एन एवरेज. इसको बोलते हैं लीड टाइम. लीड टाइम याद है क्या? ऑर्डर करोगे और कब मिलेगा,
उसका टाइम 30 से 40 दिन लग जाएगा। एक तो मंथली ऑर्डर भेज सकते हो और ऊपर से 30 से 40 दिन बाद ही आपको मिलेगा। इन द प्रोसेस द कंपनी प्रोक्योर्स पार्ट्स फ्रॉम मोर देन 100 वेंडर्स, पार्ट्स फ्रॉम मोर देन 100 वेंडर्स। द कंपनी हैज फेस्ड क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज विथ मेनी वेंडर्स लीडिंग टू डिले इन प्रोडक्शन। इशू मिल गया, इशू मिला। तो ये पहला इशू है क्या? नहीं, और भी इशू है, ये भी तो इशू है। 30-40 डेज लगता है, ये भी तो इशू है कि वन स्टोर कैन सेंड ओनली वन रिक्विजिशन, है ना। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इश्यूज आइडेंटिफाई करना, समस्या क्या, ये तो गजब का समस्या है भाई कि एक आदमी एक स्टोर से एक ही बार रिक्वेस्ट आएगा, फिर 30-40 दिन बाद ही आपको रिप्लेनिशमेंट मिलेगा, और फिर आप लोग यहाँ पे 100-100 वेंडर से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए क्वालिटी इश्यूज हो रही है। एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री इन सन इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी हाई, इट इज अगेन अनदर इशू। होल्डिंग पीरियड इज वेरी हाई एट 45 डेज अगेंस्ट इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 15 डेज, अनदर इशू इज देयर। सिंस द ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम एट अ स्टोर इज वेरी हाई, ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम टू स्टोर इज वेरी हाई, कंपनी हैज ट्रेडिशनली अलाउड हाई इन्वेंट्री होल्डिंग टू रिड्यूस द स्टॉक आउट एट स्टोर लेवल। क्या करेगा अगर इन्वेंट्री रिप्लेनिश होने में इतना टाइम लगता है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना लिया, चलो इतना दिन होल्ड कर सकते हो आप, अलाउड है। कंपनी इज अंडर सीवियर प्रेशर, अनदर इशू, 6 नंबर, टू इंप्रूव इट्स वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। अ हाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड एट ईच स्टोर ऑल्सो मीन्स दैट द प्रोडक्ट्स बिकम ऑब्सोलीट, और इश्यूज है। In case products like mobile phones, new and upgraded versions are available in the market as early as 6 months from the date of initial launch of a particular model, a significant portion of inventory of mobile phones becomes obsolete every year. Logical है, अगर 6 महीना के अंदर अंदर एक कंपनी का दूसरा नया मॉडल आ जाता है प्रीवियस के लॉन्च में, तो पहला वाला का बहुत सारा इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगा। कंपनी जनरली रिजॉर्ट्स टू ऑब्सोलीट से डील करने के लिए डिस्काउंटेड सेल टू लिक्विडेट सच ऑब्सोलीट मॉडल्स, करेक्ट। ये सब फ्लिपकार्ट वगैरह में जो सस्ते मिल जाते हैं ना, वो यही सब कारण से मिल जाते हैं। वो लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, उन कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास ऑब्सोलीट पड़े रह गए, तो ऑब्सोलीट चीजों को भी सस्ते सस्ते में बेच के निकलवा देते हैं लोग। Management has identified e-commerce as an opportunity. Now this is an opportunity, not an issue. Opportunity है ये, issue नहीं। Opportunity is not an issue. तो e-commerce opportunity में भी जा रहा है, both in terms of revenue and profitability. Situation समझ रहे हैं आप, इनका present हालात कि कैसे ये लोग अपना business चला रहे हैं, और अब ई कॉमर्स का भी बुद्धि चलाने का मन कर रहा है। कंपनी इज कंसिडरिंग लॉन्च ऑफ इट्स ओन ई कॉमर्स वेबसाइट टू सेल द प्रोडक्ट्स विच आर करेंटली बींग सोल्ड इन फिजिकल स्टोर्स। डिपेंडिंग अपॉन द सक्सेस ऑफ ऑनलाइन सेल्स द कंपनी माइट चूज टू ऑप्टिमाइज एंड क्लोज सर्टेन फिजिकल स्टोर्स इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। मतलब अभी उनको किसी ने बता दिया कि अगर आप यहां सक्सेसफुल हो गए तो फिजिकल स्टोर्स थोड़ा बंद कर दीजिएगा। ये सब ट्रेडिशनल बुद्धि है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये नहीं बोलता है, ट्रेडिशनल बुद्धि है, कॉस्ट कम करना है बंद कर दो। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, कॉग्निजेंट मतलब अवेयर होना, अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम विल नॉट फिट इन द ई कॉमर्स बिजनेस। ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग जो आपका 45 दिन का प्रोक्योरमेंट साइकिल है, आप ई कॉमर्स में आज ऑर्डर लेके 45 दिन बाद डिलीवर करेंगे। ई कॉमर्स वर्क्स ऑन अ इन्वेंट्री लाइट मॉडल एंड क्विक एज वेल एज ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कस्टमर्स, ये तो हमें भी पता है। द फैक्ट दैट कस्टमर्स कुड बी फ्रॉम अ लोकेशन अदर देन दोज वेयर सन इलेक्ट्रॉनिक्स हैज फिजिकल स्टोर मेक्स द मैटर मोर कॉम्प्लेक्स। ई कॉमर्स का इनका एक चैलेंज है, दिस इज ई कॉमर्स चैलेंज, ई कॉमर्स रिलेटेड इशू, अपॉर्चुनिटी रिलेटेड इशू है, ये जनरल इशू नहीं है। अगर ई कॉमर्स अंडरटेक करोगे तो एक और इशू आ रहा है
कि आपका जो इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो ई कॉमर्स को फिट इन नहीं करेगा, और ऊपर से आपको ये भी टेंशन हो गया कि डिलीवरी कैसे कराएंगे अगर कस्टमर को ही ऐसा का ऑर्डर मार दिया जहां पे हमारा फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। समस्या समझ में आ रही है? कंसल्टेंट बनेंगे इनके, क्या करना चाहिए? कंपनी इज कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जनरली क्वेश्चन में हम लोग जब सीमा में देते थे तो कुछ बताता नहीं था क्या करना है, बट अभी आपका क्वेश्चन मैंने देखा हर केस में क्या करना है वो रिक्वायर्ड में बोल दे रहा है, तो इजी क्वेश्चन है। कंपनी इज कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम एंड विल अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम बी ऑफ यूज टू सन इलेक्ट्रॉनिक्स इन द लाइट ऑफ ई कॉमर्स वेंचर, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इवेल्युएट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट इन द करेंट केस। देख रहे क्वेश्चन का लेवल पूरा फ्रेगरेंस ही चेंज कर दिया। मतलब हम लोग वैसे तो सप्लाई चेन के ऊपर काफी देर पढ़ाई किए थे, एक अलग सेशन लगाए थे, बट क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी व्हाट इज सप्लाई चेन, व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट वर देयर इन सीएमए एंड ओल्ड सिलेबस ऑफ सीए। नाउ इफ दिस मैट इज बीइंग फॉलोड एज पर दिस मैट, द क्वेश्चंस ऑफ सप्लाई चेन आर गोइंग टू बी लाइक दिस, वेयर ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट व्हाट एवरीथिंग यू हैड लर्न्ड देयर एंड देन यू हैव टू ऑल्सो गिव हाउ यू शुड अप्लाई इन दिस केस। लॉ में केस स्टडीज आता तो सर क्या सिखाते थे, कैसे लिखना आंसर, पहले इंट्रोडक्शन में क्या आता है, पहले प्रोविजन, क्या बोलते हैं, सीधा प्रोविजन से आंसर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन ऑफ योर प्रोविजन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, यही तो करते हैं। इधर ये भी कर सकते हैं, बट इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इश्यूज हाईलाइट करना। पहले मैंने एक फ्लो लिखा है आपको, पहले इश्यूज बताओ, यानी पहले फैक्ट्स बताओ, फिर प्रोविजन के जगह कॉन्सेप्ट बताओ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करो, और फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन इन द फैक्ट्स बताओ। इधर भी लेवल ऑफ आंसर वही है जैसा आप केस स्टडी बेस क्वेश्चंस को ऑलरेडी डील करते हुए हैं। तो आंसर का लेवल क्या होगा, पहले फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब यहां पे इश्यूज एंड इंपैक्ट। तो आपके पास एग्जाम में एक ऑप्शन होता है, हाँ पेन रुकेगा ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इश्यूज आइडेंटिफाई किया, फैक्ट्स आइडेंटिफाई हुआ, ओके उसी को कॉपी मारते जाना है, और उसका इम्पैक्ट के लिए ना बीच बीच में एक एक दो दो लाइन मन से बनाते जाना है, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बीच बीच में कुछ कुछ लाइन मन से कन्वर्ट करके लिखना है। दूसरा प्रोविजन यानी कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैनेजमेंट टूल या कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। थर्ड एप्लीकेबिलिटी या एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो आप बीच में लिखते हो यही तो रिकमेंडेड सोल्यूशन है, दिस इज ओनली द रिकमेंडेड सोल्यूशन। तो इस केस का रिकमेंडेड सोल्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन ने आइडेंटिफाई कर दिया, दैट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका ये सोल्यूशन है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मतलब दिस इज द सोल्यूशन टू अवर इश्यूज, ठीक है। ये पहला से आपको जनरल आइडिया लग जाएगा हर केस स्टडी कैसे पढ़ने का है, सोल्यूशन टू अवर इश्यूज, वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दिया, आपको बताने का जरूरत नहीं। नाउ देखो सोल्यूशन में ये लोग ये इशू बोल के जो लिखा है ना, मैंने मार्क करा दिया आपको इशू कितने सारे हैं, ये एक दो तीन चार मिस हो गया, छह
ठीक है, आप सोचो ना, चार मिस हो गया, क्या है? आप सीट ठीक से कर लिए ना, तो मैं कट के कर दूंगा, चार पांच छ। तो इस छ के बारे में डिस्क्रिप्शन यहां पे दिया, दिस इज द फैक्ट्स ऑफ द केस इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ ई कॉमर्स, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स का बात, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ये वापस पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये वाला पैरा हर बच्चा अपने आंसर में लिख सकता है, क्वेश्चन से उठा के कॉपी पेस्ट करना है, और लेकिन बीच बीच में ना थोड़ा सेंटेंस चेंज करते रहना और इशू का इम्पैक्ट बताते रहना। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था ना, क्वालिटी रिलेटेड इशू फेस कर रहा है, तो एक बीच में अपना ओपिनियन दे दिया, इफ दिस इज कैरीड ऑन देन कंपनी विल फेस मेजर रेपुटेशन रिस्क इन द आईज ऑफ इट्स ओन कस्टमर्स, इट विल हैव टू रिप्लेस लॉट ऑफ थिंग्स, इट विल हैव टू इनकर कस्टमर सर्विस कॉस्ट। ऐसे अपना मन से दो तीन लाइन फेंक देना, फिर चलाते रहना कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बीच में जो क्लिक किया कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, दो लाइन लिख दिया, सो दैट पढ़ने वाले को लगे कि नहीं बच्चा मेहनत से लिख रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे, और खुद ही लिखा था क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, और देखो भर भर के लिख, अपना बात का कोई वैल्यू नहीं। अभी आगे आप देखें जबरदस्ती का पूरा चैप्टर उठा के यहां पे डाल देगा, ये है कॉन्सेप्ट। आप चाह कर भी दोस्त इतना लिख नहीं पाओगे, अगर आपको समय में लिखना है ना, इसको लिखने जाओगे तो बहुत समय भी लगेगा। बट मैंने क्या बोला, टेक इट एज एन आइडिया ऑफ पैसिव रीडिंग, जितना पैसिवली पढ़ोगे तो जितना लिखना उतना ही याद रहेगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुनो क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं वो समझ लो। सप्लाई चेन एक्चुअली इंडस्ट्री वैल्यू चेन को बोलते हैं, वैल्यू चेन आपको पोर्टर्स वैल्यू चेन से पढ़ने को मिल रहा है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग एंड सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सारा का सारा पॉइंट वापस यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज पोर्टर्स वैल्यू चेन, बिकॉज सप्लाई चेन इज इंडस्ट्री वैल्यू चेन। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सीख लीजिए, ये बहुत मुश्किल होगा बाद में। यहां पे वापस ये लोग इश्यूज का लिस्ट बना रहा है, तो सीखने का क्या है, देखो यहां पे जो लिखा उस आंसर को पत्थर की लकीर मान मत लेना, ना तो लिख पाओगे और फंस जाओगे बुरी तरीके से। और मैंने कितना स्मार्ट वर्क आपको बताया, लिस्ट ऑफ इश्यूज सबसे पहले लिख देने का, वही फैक्ट्स ऑफ द केस है। मतलब ये पूरा क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट किया है और उसी का ही फिर बुलेट बनाकर यहाँ पे डाला है, तो इट इज शेयर रिपीट एंड आई विल प्रेफर यू टू राइट दिस डायरेक्टली नॉट द प्रीवियस वन, प्रेफर दिस वे टू राइट इन एग्जाम, प्रेफर दिस टू राइट इन एग्जाम। देखिए आपको जो इश्यूज मैंने मार्क कराए थे वही सब यहां पे दिखते हैं क्या, देखिए तो पहला क्या है, प्रोडक्शन, ये एक नया डाल दिया उन्होंने, प्रोडक्शन प्लानिंग इज नॉट बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड एंड इज डन ऑन एन एड हॉक बेसिस, इन्वेंट्री होल्डिंग इज वेरी हाई, वर्किंग कैपिटल इज लॉन्गर, टाइम टेकन टू फुलफिल एन ऑर्डर फ्रॉम द स्टोर इज हाई, प्रोडक्शन इज डिस्पैच टू सेंट्रल वेयर हाउस, दिस कुड बी एन इनएफिशियंट प्रोसेस, लिक्विडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंट फॉर प्रोडक्ट्स विद लो शेल्फ लाइफ, ये सब हाईलाइट्स किए थे हमने। एंड देयर इज आंसर, मैं वापस बोल दूं, देयर इज नो परफेक्ट आंसर। आप अपने आप को ये सब केस स्टडी करते वक्त कमजोर नहीं समझेंगे, आपको बस अपने खुले दिमाग से इश्यूज को पिकअप करना है और लिखना है कि ये आपको लगता है ये इश्यू है तो आप जरूर बताइए और उसका इंपैक्ट भी बताने का कोशिश करिए। अब इन्होंने बताया कि हाउ यू कैन अप्लाई SCM, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ाई किया हुआ था, उसका स्टेप्स यहां पे डिस्कस किया गया है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ SCM में स्टेप्स बता रहा है। प्लान, नाउ व्हाट इज द प्लान वर्ड इंडिकेटिंग, प्लान इज इंडिकेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स,
जैसे इन दिस सन इलेक्ट्रॉनिक्स केस यू हैव टू राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर्स, प्लान द रिक्वायरमेंट. सन इलेक्ट्रॉनिक केस में यू हैव टू प्लान द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स और रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर्स कि क्या उनको जरूरत पड़ती है. यहां पे जब भी आंसर लिख रहे हैं, देखिए यहां लिखा है एंड एप्लीकेबिलिटी टू सन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हर पॉइंट में यू हैव टू इन्वॉल्व द फैक्ट्स ऑफ द केस. यू आर एक्चुअली कंक्लूडिंग नाउ, दिस इज द थर्ड फेज ऑफ योर आंसर. यू आर राइटिंग द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन द कंपनीज प्रॉब्लम्स. तो प्लान करना है तो स्टोर का रिक्वायरमेंट को जानना है. देन डेवलप मतलब प्रोक्योर करना है. देखिए वर्ड थोड़ा मिसगाइडिंग है. प्लान करना मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डेवलप मतलब फिर कंफ्यूज हो सकते हैं. डेवलप मतलब प्रोक्योर फ्रॉम सप्लायर्स. नो अभी सप्लायर्स के जगह आप बोल सकते हैं इनको जो वो 100 parts अपने वेंडर से लेने होते हैं उसको प्रोक्योर करना चाहिए. फिर मेक मतलब मैन्युफैक्चर, फिर डिलीवर मतलब डिस्पैच, और डिस्पैच में फिर वही लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स मतलब समझते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बातें डिस्पैच में की जाती है. ओके, प्लान, डेवलप, मेक एंड डिलीवर. और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या है इसमें, मुझे बताओ. तो इसमें क्या किया इन्होंने, अलग अलग टुकड़ों में आपके की प्रोसेसेस को बांटे. हम लोग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर किधर मिलेगा आपको, 2.28 में चले जाइए, कंटेंट में जाके देखिए 2.28. उधर देखिए एक पॉइंट है, की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन. देखिए जाइए, देखिए नोटिस करी 2.28 मिला की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. उसमें तीन बातें हैं, तीन पॉइंट है क्या, प्रोक्योर, मैन्युफैक्चर, डिलीवर, ऐसा करके है. मिलेगा मिलेगा, थोड़ा पेज घुमाने से मिलेगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर है, ग्रे शेड में मिल गया. पेज नंबर 2.38, आप पेज 2.38 से सब रेफर कर सकते हैं. बट इन्होंने यहां पे इसको और तोड़ दिया है. मिला क्या क्या मिला, प्रोक्योरमेंट, फिर मैन्युफैक्चर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन. बनाओ, प्रोक्योर करो, बनाओ और बांटो, डिलीवर करो. उसी को 5 parts में तोड़ दिया. अभी देखो, रिक्वायरमेंट, प्रोक्योर, मैन्युफैक्चर और डिस्पैच, 4 parts में तोड़ दिया. पेज 2.38 में इसके बारे में डिस्कशन था. अब चैलेंज क्या होता है कि आपको वही वाला चीज यहां क्लिक करेगा कि नहीं करेगा. ये सब जितना आप रीड करोगे उतना क्लैरिटी आएगा. देयर इज नो परफेक्ट आंसर, अगेन आई एम सेइंग, हो सकता है आपने सप्लाई चेन का ये सब पॉइंट को टच ही नहीं किया, आप उसमें चले गए. आप एक और पॉइंट आता है उसके पीछे घुमाओ, 2.36 में आओ. देखो अपस्ट्रीम मैनेजमेंट और डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट था, आप उसके बारे में बोलने लग गए. अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में सप्लायर रिलेशनशिप, डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट में कस्टमर रिलेशनशिप. तो जैसे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए कर रहे हैं आप, स्टोर्स के लिए. तो स्टोर्स इज योर कस्टमर काइंड ऑफ थिंग, तो यू हैव टू मैनेज देम इन डाउनस्ट्रीम. एंड अपस्ट्रीम में आपके जो 100 vendors है, करेक्ट, उनको मैनेज करना है. तो आप उनके बारे में भी आंसर लिखते हुए उनका प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हो. सन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कुछ बातें थी, आपको पेज पलटिए थोड़ा, अगल बगल दिखाइए, 2.35 में आके देखिए, वहां पे ही आपको मिलेगा कुछ फ्लो चार्ट बने हुए हैं जिसमें मैंने मार्किंग भी कराया था कि अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में देखिएगा ई प्रोक्योरमेंट, ई सोर्सिंग, ई पेमेंट, ऐसा लिखा हुआ है, ई सोर्सिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई पेमेंट. मिला, हाँ मिला.
तो वो उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए. ये कब हेल्प करेगा पता है, इनका जो ई कॉमर्स का प्रॉब्लम है वो वहीं पे सॉल्व होगा. ये देखिए कितना बड़ा थ्योरी लिखे जा रहा है, आप देख रहे हैं हद से ज्यादा लिखा है. फिर वापस बेनिफिट्स ऑफ SCM बता रहे हैं, फिर ये लोग वापस ई कॉमर्स के बारे में बोल रहे हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग इन एग्जाम. यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट ऑफ व्हाट दे आर गिविंग. इट इज वेरी टेंशन समथिंग इफ यू आर डूइंग कॉपी पेस्ट. लिख ही नहीं पाओगे पूरा. चिट पेपर बनाओगे तो भी पेपर खत्म नहीं होगा. ओपन बुक भी हो जाएगा तो भी लिख नहीं पाओगे. ये समय नहीं होगा इतना. ई कॉमर्स में सुझाव दे सकते हो आप ई प्रोक्योरमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ये क्या करेगा, साइकिल टाइम रिड्यूस कर देगा. जैसे स्टोर को अगर कुछ मंगवाना है तो ई बुकिंग कर देगा वेयरहाउस को, जो ई रिक्विजिशन पे मैन्युफैक्चरिंग प्लान में घुस जाएगा. आपको ERP सिस्टम में आना पड़ेगा. द सोल्यूशन इज ऑल्सो ERP सिस्टम. ERP सिस्टम में आओगे तो मंथली रिक्विजिशन जो भेजते हैं आप उसका साइकिल टाइम कम हो सकता है, सोर्सिंग थोड़ा सा फास्ट हो सकता है. ऐसा करिए ना, मतलब जो मैंने आपको बताया था सप्लाई चेन में सिखाया था, जैसे स्टोर को जरूरत पड़ा, वॉलमार्ट और प्रॉक्टर गैम्बल का एग्जाम्पल में बताया था, स्टोर को जरूरत पड़ा, ठीक समझे क्या, स्टोर को जरूरत पड़ा तो वॉलमार्ट ने क्या किया था, स्टोर में सेंसर्स लगा दिए. और वो जैसे ही वॉलमार्ट एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका क्वांटिटी स्टॉक लेवल जैसे ही कम होता था तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस हो जाता था प्रॉक्टर एंड गैम्बल के यहां. प्रॉक्टर एंड गैम्बल हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह FMCG में इन्वॉल्व एक कंपनी है. हेड एंड शोल्डर्स उसी का आता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं उसके. हिंदुस्तान यूनिलीवर का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, तो उनका वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलता है. तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल को पता कैसे चल रहा है मुझे अब भेजना है, सेंसर्स लगा दिए. जैसे ही वहां पे क्वांटिटी कम होगी प्रॉक्टर एंड गैम्बल को खबर मिल जाएगा, और कभी भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जाके चेक कर सकता है सेंसर्स के थ्रू कि किसका कितना क्वांटिटी इनके पास पड़ा हुआ है, जिससे कि खत्म हो जाए तो तुरंत यहां से रेडी करके डिस्पैच करे ना. वैसे ही अगर स्टोर्स में कर दिया जाए तो आप ये सोल्यूशन दे के आ सकते हैं. ये लिखा नहीं है तो क्या हुआ, आप एक उसमें एक और कर सकते हैं, वॉलमार्ट प्रॉक्टर गैम्बल को कोट करके आ सकते हैं. मतलब जैसे आप लोग अपने टैक्स के केस स्टडीज के आंसर्स में केस स्टडीज कोट करते हो ना, इसी तरह से यहां पे कोई रियल वर्ल्ड केस मिला तो कोट करिए. ये मैं वहां पे लिख देता हूं, यू मे ऑल्सो कोट. यहां पे जो लिख रहा था केस स्टडी का सातवां पॉइंट केस स्टडीज में, या यहां पे लिख देते हैं रिकमेंडेड सॉल्यूशंस में, यू मे इंक्लूड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स. जैसे हमारे सीमा के एग्जाम में तो ये मतलब डाई हार्ड नेसेसिटी होता था कि आप अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक दो ढो नहीं दिए हर सॉल्यूशन में तो वो लोग तो उसको ईगो पे ले लेंगे, चेक ही नहीं करेंगे ढंग से. वो वहां का क्राइटेरिया ही था कि आपको मिलता जुलता एग्जाम्पल कोट करना ही पड़ेगा. तो हम लोगों ने कुछ क्लासेस ली थी UK से, उनके नोट्स वगैरह पढ़ के उन लोगों ने हर इंडस्ट्री का कुछ एग्जाम्पल्स बना रखा था कि अगर डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ आए तो ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस आए तो ये एग्जाम्पल दे सकता है. बहुत सारा उन्होंने एक लिस्ट बना रखा था, तो उससे आइडिया लग गया. वो यूज आया कोई जरूरी नहीं है, बट हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारा एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ जो किताब में दिया उसका एग्जाम्पल यूज करना. आपको दिमाग में कुछ भी क्लिक करता है आप उसका एग्जाम्पल कोट करके आ सकते हो. तो यहां पे वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हैं, जिसमें यह बताया जा सकता है कि टू रिड्यूस द साइकिल टाइम व्हाट कंपनी कैन डू इज इंस्टॉल सम ERP एट द स्टोर्स व्हिच विल इमीडिएटली ऑटोमेटिकली यू कैन से ऑटोमेटिकली सेंड रिक्विजिशन टू द सेंट्रल यूनिट इन मुंबई एंड देयर इफ अनदर ERP इज देयर then ERP should be such capable ki it is immediately placing the
order with the required quantity of parts to the hundreds of vendors. ये actually जब पहली बार ये ERP बना था ना, इस ERP का जो first version था उसका नाम था MRP, Material Requirement Planning, जिसमें ये सारी कंपनियां अपना एक शेड्यूल डाल देती थी अलग अलग फिनिश गुड्स के लिए, क्या लिस्ट ऑफ मटेरियल है इस फिनिश गुड्स के लिए, ये लिस्ट ऑफ मटेरियल है. अब स्टोर से आया कि ये वाला 100 चाहिए, ये वाला 50 चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका लिस्ट ऑफ मटेरियल बना देगा और रिक्विजिट वेंडर्स जो हैं उसके, उनको वो क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर देगा. तो आपका जो ये मैनुअल जॉब था ऑर्डर प्लेस करना, कंफर्म करना, वो सब खत्म. आपको मालूम है आपका कोई जान पहचान में कोई अमेजन में गुड्स बेचते, फ्लिपकार्ट में कोई नहीं? जैसे ही अमेजन वगैरह में क्या सिस्टम है, एक तो फुलफिलमेंट सेंटर का कॉन्सेप्ट है, आपने सुना है फुलफिलमेंट सेंटर? मैंने वीडियो भी दिखाया था कि वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सप्लायर से पहले से मंगा के अपना वेयर हाउस में रख के रखते हैं, फिर जैसे ही आप बुक करते हो तो वो लोग अपने फुलफिलमेंट सेंटर से डिस्पैच करते हैं. अमेजन मेंटेन्स दैट काइंड ऑफ थिंग. Another, sometimes when they will give you that it is not fulfilled by Amazon, आप Amazon के website पे देखोगे वहां पे लिखा रहता है fulfilled है कि नहीं है. अगर नहीं है मतलब वो source directly supplier से होगा. और interestingly जैसे ही आप book करते हो ना, आपके पास message आता है और उस supplier के पास तुरंत message आता है कि एक order आपके नाम का book हो गया है. यही है ERP का कमाल. जैसे हम लोग के website पे भी ऐसा ही, आप लोग एक DTH क्लास, पेनड्राइव क्लास बुक करते हो तो आपके पास कंफर्मेशन मेल आता है, मैसेज आता है, हमारे पास भी आ जाता है तुरंत कि अभी आपका एक बुकिंग आया. तो हम लोग आपके कॉल किए भी नहीं, यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू कर देते हैं, जब तक आपका फोन आता है तब तक डिस्पैच में लगाने का कोशिश करते हैं, होता नहीं होता बात अलग. तो ये ERP का फायदा इस कंपनी को लेना चाहिए. कंपनी ट्रेडिशनली चल रहा है, ये आपको सुझाव दे के आना चाहिए. अब क्या वही लिखा था ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. If you don't write an answer, you won't learn. अभी आपने एक आइडिया ले लिया, आप सोचेंगे कि मेरा हो गया, नहीं हुआ. आपको आइडिया मिला है, आपको करना क्या होगा पता है? ये क्वेश्चन 16 मार्क का हो सकता है, ये क्वेश्चन 16 मार्क का हो सकता है. तो आपको बैठ के एक आंसर लिखना है. सारा आइडिया होने के बाद भी आप लिखने जाओगे तो भी फंस जाओगे कहीं ना कहीं. सारा नॉलेज होने के बाद भी फंस जाओगे, ये केस स्टडी का एक ड्रॉबैक है. केस स्टडी का ड्रॉबैक आपको बता देते हैं. अपने को लगता है अपने से हो जाएगा बट कंप्लीट नहीं होता. केस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि क्वेश्चन जो मांगा है वो पूरा बताना होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस स्टडी क्वेश्चन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस स्टडीज इज टू कंप्लीट द एंटायर आंसर, इज टू कंप्लीट द आंसर विथ फुल इट्स कंडीशंस. To complete the answer. अगर आप खाली issues लिख के आ गए और आप बोलते हैं उसका step marking मिलेगा तो zero भी हो सकता है वो. भले ही आप सारे issues मत लिखिए, देखिए rule समझिए, you may not write all issues, you may only explain the quality issues, you may not write all issues, you may not give solution to all issues, that is possible, but you have to ultimately complete the entire flow. ये रूल समझिए केस स्टडी लिखने का. आप सारे इशू को हाईलाइट मत करिए, चलेगा. खाली आप लिस्ट बता दिए, एक्सप्लेन दो कोई कर दिए, चलेगा. सोल्यूशन आप सबका नहीं बता पाए, प्राइम प्राइम इश्यूज का सोल्यूशन रेकमेंड किए, चलेगा. बट उस सोल्यूशन को बताना पड़ेगा और फिर उन सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताना पड़ेगा. मतलब देयर शुड बी अ फ्लो इन द एंटायर आंसर, इट शुड बी कंप्लीट पैकेज. इफ यू मिस कि खाली इशू लिख दिया, मेरे से सोल्यूशन लिखने का टाइम नहीं है, तो आप बोलेंगे इशू लिखने का 4 मार्क मिल जाए, नहीं मिलेगा, 0 हो सकता है. और आप पूरा थोड़ा थोड़ा बताते हुए पूरा कंप्लीट कर रहा है ना, तो 16 में 10 मिल जाए, 12 मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं. केस स्टडी का बहुत सारा प्रोटोकॉल है, जो सीमा में था वो मैं बता रहा हूं आपको. पूरा आंसर लिखना ही पड़ेगा, वो आप नहीं लिख पाए. जैसे मैं सीमा का पर्सनली बताऊं, जो लास्ट लेवल 100 मार्क का केस स्टडी था उसको 2 बार में पास किया, पहली बार फेल हो गया था. रीजन बिंग, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे आता सब कुछ था, 3 घंटा में मैं खत्म नहीं कर पाया. खत्म क्या नहीं कर पाया, जितने इश्यूज थे उसको सॉल्व नहीं कर पाया. मेरे पास आंसर है बट लिखते लिखते समय बहुत चला गया.
सब कुछ लिखने का मन कर रहा है और रुक ही नहीं रहा, पेन 3 घंटा लगातार लिखने के बाद भी लास्ट में पेपर अधूरा रह गया, अधूरा रह गया, तो मुझे एहसास हुआ कि इस बार शायद फेल कर देगा और 4 मार्क्स से फेल हो गया। फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम दिया, बट उसके पहले ये इंश्योर किया 2 मॉक टेस्ट देकर कि मैं पूरा लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं, 3 घंटे में पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लगातार बैठ के 3 घंटे, कभी 3.5 घंटे भी हुए, कभी 3 घंटे में भी हुए, बट वो पूरा 100 मार्क कंप्लीट किया। एक बार मॉक टेस्ट दिया तो वो 4.25 घंटा के आसपास ले लिया, बट मैं रुका नहीं, 3 घंटे के बाद कट ऑफ नहीं किया, मैं देखा कितना देर में होता है, 3.5 घंटे में हुआ, दूसरी बार किया तो 3 घंटे में हुआ, और 3 घंटे में जब हुआ तो मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार मैं पास हो जाऊंगा, और पेपर दिया तो उसी समय पूरा कंप्लीट हुआ, तो समझ में आ गया इस बार पास हो जाएंगे, क्योंकि इनका चेक करने का कुछ गाइडलाइंस है, इसमें मार्क्स देने का गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है कि सब कुछ होना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट शुड बी टच्ड, इफ यू आर मिसिंग ऑन एनी एस्पेक्ट देन दे विल हाईली पेनलाइज यू, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, केस स्टडीज में अगर कभी कोई कैलकुलेशन आ जाए, नेवर डू एनी एरर इन कैलकुलेशन, हाईली पेनलाइज, मतलब केस स्टडी का प्रोटोकॉल बोलता है कि आप एक रिपोर्ट बना के दे रहे हैं और उसमें आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल होने का कोई हक ही नहीं है। मतलब सीमा के एग्जाम में तो एकदम ऐसे ईगो वाला बात बोल दिया कि वी कैनॉट इमेजिन एनी प्रोफेशनल डूइंग कैलकुलेशन एरर्स, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट एनी मार्क्स। कैलकुलेशन एरर होने ना दे, कभी आता नहीं है ज्यादा, लेकिन आया तो एरर नहीं होने दे, बहुत सावधानी से करें, ज्यादा किसी को ओवर जस्टिफाई भी ना करें, यही केस स्टडी का प्रोटोकॉल है। तो आपका एक होम टास्क होता है कि आप जैसे आज ये अभी सुन लिया, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, इश्यूज क्या है, इश्यूज के बाद सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट क्या है, और सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट के बाद उसमें सन इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे आप फिट इन कर सकते हो, उनके इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मल्टीपल सोल्यूशन नहीं बताने थे, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद अपना सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो उसी को कैसे अप्लाई करना है वो आपको सिखाना पड़ेगा, हमें क्लियर, उसी को कैसे अप्लाई करना है वो आपको बताना पड़ेगा, और उसका प्रैक्टिस लगेगा, आपको लिख के देखना होगा, भले ही आंसर 2 पेज का जा रहा हो, आपको एक टाइम फ्रेम बांधना होगा कि आधा घंटा में हो रहा है कि 45 मिनट में हो रहा है, 45 मिनट्स लग रहा है तो कम करना सीखो, और टाइम देख के एक आंसर को लिखोगे, और लिख के मुझसे चेक कराओगे तो और भी बेटर रहेगा, मैं आपको बता पाऊंगा कि आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए कोई और ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे या फिर कोई डीटीएच क्लासेस में ये सारी क्लासेस करेंगे, उनके लिए कोई और ऑप्शन देखेंगे कि कैसे आपका लिखा हुआ आंसर को हम इवैल्यूएट करें, बट आपको लिख के एटलीस्ट क्या होता है ना, एक सेल्फ इवैल्यूएशन मैकेनिज्म भी है, आप लिख के आज ही मत पढ़िए, 2 दिन बाद पढ़िए, आपको समझ में आएगा आप सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, तुरंत पढ़ोगे तो सब सही लगेगा, तो 2 दिन बाद पढ़ोगे तो आपको लगेगा हम तो एब्सर्ड लिख रहा था। सेल्फ इवैल्यूएशन मॉडल भी है, वो भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। अब हर आप कहीं पे भी मेरे ऊपर निर्भर हो जाओगे, जब तक सर बताएंगे नहीं हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं, अब हमारे पास 200-300 आंसर हर रोज आने लग गए तो हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, और एक अकेला ही ब्रेन को यहाँ पे करना पड़ेगा, ये डेलीगेशन कर नहीं सकूंगा, तो इट इज बेटर कि आप खुद सेल्फ इवैल्यूएट भी एक बार करें। फिर भी फंस रहे हो तो आप जरूर लेकर आए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट नेवर कंसिडर दैट दिस इज द ओनली परफेक्ट आंसर। एक और केस स्टडी है, उसको भी करते हैं। ये बहुत अच्छा है, रेस्ट इजी कंपनी, स्टार्टअप रिलेटेड। आइए साथ में पढ़िए, इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होता है कि पैराग्राफ का समरी बगल बगल में लिखते जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, वापस ये आंसर को 0 से पढ़ना होगा। एग्जाम में आपको, एग्जाम में भी क्या होता है ना, केस स्टडी को पूरा पढ़ के फिर उससे एक्सप्लेनेशन तैयार करना है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, तो इट इज बेटर कि आप इश्यूज खाली मार्क नहीं कर, थोड़ा बहुत उसका फैक्ट्स यहां पे लिखते जाएंगे, तो इससे आपको समय बचता है आपका, जब आप उसका आंसर पूरा डिटेल में लिखने जाते हो।
सीमा में तो एक और अजीब चीज करता था, वो लास्ट लेवल का जो था उसमें जो केस स्टडी होती थी, ये कितना आ रहा है, 2 पेज का आ रहा है, हाँ 3 पेज का आ रहा है बस, 3.5 पेज का आ रहा है बस, जो भी 30 पेज का आता था और वो 1 महीना पहले दे देता था वेबसाइट पे, 1-1.5 महीना पहले वेबसाइट पे आ जाएगा और उसका आप बैठ के छलनी करते रहिए, जिससे पूछना पूछिए, पूरा विश्व खुला है। तो बहुत सारे एनालिस्ट लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। अब उसके बाद एग्जाम हॉल में वो लेके नहीं जा सकते आप, वो 30 प्रिंट होके आएगा प्लस 2 पेज ऐड करेगा और उसके बाद ऐसे रिक्वायरमेंट के लिस्ट आएंगे कि आपको क्या क्या करने हैं, ये रिक्वायर्ड का लिस्ट आएगा। और मेजॉरिटी केसेस में क्या होता था कि जो आप 30 पेज पढ़ के गए उसका पूरा कहानी पलट देता था लास्ट 2 पेज में, लास्ट 2 पेज में पूरा कहानी घुमा देता था कि ये जो बोल रहा था तो कुछ और ही था और यहां पे आके तो कुछ और ही बकने लग गया, और आपको सारा आंसर उस 2 पेज के ऊपर ही लिखना है और उसके साथ साथ 30 पेज से रेफरेंस डालते रहना है कि ऐसा पहले भी कभी कहीं बोला गया था। सब एग्जाम देख के ना आपको ये बताते हैं कि कॉस्टिंग में जो कॉन्फिडेंस आया था वो कॉस्टिंग का कोई और सब्जेक्ट पढ़ा के कभी नहीं है, कि कुछ काबिलियत आ गई ऐसा महसूस हुआ था, ऐसा लगा कि अब मैं कंसल्टेंट बन गया हूं, पास हो गए तो और ज्यादा फील आए। आइए पढ़ते, मैं छोटा कर दूंगा, मैंने तो सारा पढ़ा हुआ है, मैं कहानी आपको शॉर्ट में बता दूंगा। यहां पे एक स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टार्टअप में इनके यहां पे 2 डिवीजन है, कंसल्टेंट और कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। एक्चुअली अगर क्वेश्चन हम लोग डीपली पढ़ेंगे तो 3 डिवीजन है, एक और डिवीजन है ट्रेनिंग डिवीजन जो इनके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देता है, तो इस सब में 3 डिवीजन है। एक डिवीजन है कंसल्टेंट, दूसरा डिवीजन है कस्टमर सपोर्ट और तीसरा डिवीजन है ट्रेनिंग डिवीजन, इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं। कंसल्टेंट डिवीजन क्या करता है, इसके पास हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, हु अप्रोचेस क्लाइंट एज अ टीम एंड वर्कआउट सोल्यूशन टू मीट देयर नीड्स। एंड कस्टमर सपोर्ट डिवीजन क्या करता है कि जो कंसल्टेंट वाले कर आते हैं उसके बाद क्लाइंट को जब असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो कस्टमर सपोर्ट वाले असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कितना क्लियर है, बड़े बड़े कंपनियों में यही सिस्टम है। जैसे आप ENY में चले जाएंगे तो आप जैसे मानिए उनसे ERP इंप्लीमेंट करवाइए, ERP एक विंग है उनका जो ERP इंप्लीमेंटेशन का काम करता है, ERP मतलब सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। ERP आप नॉर्मली बड़ी कंपनियों में खरीद लेते हैं, वो 15-20 लाख का आ जाएगा। जैसे विप्रो, इंफोसिस, इन्होंने बहुत सारे ERP सेलेबल बना दिए। जैसे विप्रो का ERPs है, इंफोसिस का ERPs है जो बैंकों को लगता है। जैसे बैंक में आप देखिए ERP सिस्टम यूज होते हैं ना इनके, तो अपने को क्या लगता है बैंक ने बनाया है, नहीं 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 नहीं, खरीदा है किससे, विप्रो से। विप्रो ने एक ऐसा ERP बना दिया जो सारे बैंक इंडिया में यूज करते हैं, बट वो बना दिया खाली टेम्पलेट्स और ऑप्शंस छोड़ दिया है। अब इम्प्लीमेंटेशन इज अनदर बिग जॉब जिसमें आपको अपने बैंक ऑपरेशंस को उस ERP के थ्रू कंडक्ट करवाना है, तो कंटेंट फिलिंग, कंट्रोल पॉइंट्स डालना, उसका कॉस्ट करोड़ों रुपया होता है। ERP तो 10-20 लाख में मिल जाएगा। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं देखते हो उनका एक सॉफ्टवेयर होता है तो अपने को क्या लगता है इन लोग बनवाया होगा, रेडीमेड है ये, विप्रो, TCS, इंफोसिस ये सब बहुत बना रखे हैं, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखे जो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री उस पर चल रहा है, पूरा हेल्थ केयर उस पर चल रहा है।
और उनसे खरीदवा देते हैं इन लोग, और खरीदवाने के बाद वॉल्यूम में वो लोग भी क्या करते हैं ना, एक बड़ा प्रोग्रामिंग कर लिया और वो तो सॉफ्टवेयर रेडीमेड बन गया। जैसे आप एंटीवायरस खरीदते हैं तो कितना, 1000 रुपये में आ जाता है, बट एंटीवायरस बनाने में अरबों रुपया चला जाता होगा ना, बड़ा प्रोग्रामिंग है, 100-100 करोड़ रुपया जाता होगा, करेक्ट। अब इतना वॉल्यूम है वो लोग बेचते हैं तो पर हेड 1000-2000 भी हो तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही ईआरपी सिस्टम भी वो लोग विप्रो वाले लोग बना लेते हैं कुछ 200-300 करोड़ रुपया खर्चा करके, और फिर उसके इतने कॉपीज हर बैंक को बेच रहे हैं, हर ब्रांच को बेच रहे कि उससे वो लोग कमाए जा रहे 10-20 लाख रुपया भी उनके लिए बहुत सरप्लस है। अब उसको इम्प्लीमेंट करना, यूज करना, हर टूल को उनका यूटिलिटी में लाना, बैंकों के हिसाब से यूज करवाना, वो करवाने वाले के लिए अगेन एक और टीम लगता है, जैसे कि ENY का टीम, ऐसे और भी इम्प्लीमेंटेशन टीम्स होते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन वाले इम्प्लीमेंट करके चले जाएंगे, तो ईआरपी खरीदा कहीं और से, इम्प्लीमेंट हुआ कहीं और से। अब आपके क्वेरीज तो आएंगे, आपको बहुत सारा चीज तकलीफ तो देगा यूज करते करते, आपको ट्रेनिंग लगेगा बीच बीच में, तो वो कंसल्टिंग टीम बार बार आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब वो ट्रांसफर हो जाएगा मेंटेनेंस टीम को, यानी कस्टमर सर्विस टीम को, उनको भी सारा ईआरपी का ट्रेनिंग दिया हुआ होता है, तो वो लोग आपको गाइड करते रहते हैं कि आप ये करो वो करो, प्रॉब्लम हो तो ये करो, प्रॉब्लम हो तो वो करो, कोई मेजर डिस्क्रिपेंसी आए तब कंसल्टेंट जाएगा। ये मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, यहां पे भी वही हो रहा है। कंसल्टेंट वाला क्या कर रहा है, अप्रोचेस क्लाइंट एज ए टीम एंड वर्क आउट सोल्यूशन दैट मीट देयर नीड्स। कस्टमर सपोर्ट पर्सनल आर इन चार्ज ऑफ IT इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू टेलीफोन, ईमेल और ऑन साइट। करेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ कंसल्टेंट डिपार्टमेंट इज 200 वाइल दैट ऑफ कस्टमर सपोर्ट इज 150। यश इसका फाउंडर और CEO है, इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस मॉडल, ही wants टू डिलीवर हाई क्वालिटी, ही believes दैट his स्टाफ शुड बी वेल ट्रेन्ड। इसको ट्रेनिंग पे बहुत भरोसा है, मैंने बोला ना एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आएगा, अब उसकी एंट्री होगी। Therefore, Rest Easy provides periodic training to its staff in-house. In-house training की बात हो रही है। All employees are expected to undergo 2 weeks of training annually. Training department has been set up. Training department has been set up with qualified trainers in various fields who provide periodic training sessions to both consultants and customer service departments. Training department has 5 trainers. Training sessions are aimed to provide skills that the executives need to provide better service to their clients. And this in-house focus of high quality delivery is the key factor that Yash believes would set apart Rest Easy from its competitors. इनको लगता है इनका जो critical success factor है वो training ही है जो इनके team को दूसरे competitor से अलग कर रहा है, competitive advantage provide कर रहा है। Okay, trained employees नहीं होंगे तो obviously ना consultant काम कर पाएंगे ना कस्टमर सपोर्ट वाले काम कर पाएंगे। अब इन एडिशन टू डिलीवरिंग ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ट्रेनिंग मटेरियल फॉर रूटीन ऑनगोइंग एज वेल एज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेशंस। दे अटेंड कॉन्फ्रेंस, ट्रेन द ट्रेनर सेशंस एंड सब्सक्राइब टू जर्नल्स टू कीप देमसेल्व्स अप टू डेट विद वेरियस डेवलपमेंट्स दैट कंसल्टेंट्स एंड कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स नीड टू बी अवेयर ऑफ। तो इसमें बता रहा है वॉट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट डज, ट्रेनिंग वाले क्या क्या करते हैं, वॉट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट डज, उनका क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर हेड्स ऑफ कंसल्टेंट्स एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट एडवाइज द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑन द, ये एक इंपॉर्टेंट है, ऑन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस दैट देयर स्टाफ वुड अंडरटेक। मतलब ट्रेनिंग सेशंस का बजट बनता है, बजट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, बजट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, तो ट्रेनिंग सेशंस का बजट बनाया जाता है और कंसल्टेंट वाला कस्टमर सर्विस वाला हेड आके बता जाता है कि कितना हम लोगों का टीम ट्रेनिंग लेगा। इन स्पेशल सिचुएशंस वेयर डेवलपमेंट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड रैपिडली, एक्स्ट्रा सेशन कैन ऑल्सो बी
कंडक्टेड, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बजट्स आर प्रिपेयर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दीज नीड्स. ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अपना बजट इसी आधार पे बनाता है. फ्लो समझ में आ रहा है? रेस्ट इजी कंपनी, कंसल्टिंग, कस्टमर सपोर्ट, ट्रेनिंग. ऐसे आपको घर के पढ़ाई में ऐसे रुक रुक के पॉज लेना पड़ेगा, सजाना होगा दिमाग में, वरना तो सब समझ में ही नहीं आएगा. कस्टमर सपोर्ट, कंसल्टिंग और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वाले इनके नीड ऑफ ट्रेनिंग सेशंस के हिसाब से अपने आप के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल बनाते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं. ये लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन नीड. ठीक, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात हो रहा है. ट्रेनिंग कॉस्ट एलोकेशन को लेके, कॉस्ट इनकर्ड बाय ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इज एलोकेटेड टू द कंसल्टेंट एंड कस्टमर सर्विस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग सेशंस अवेल्ड बाय बोथ डिपार्टमेंट्स. अवेल्ड यानी एक्चुअल के बेसिस पे, यहां लिख देते हैं ऑन एक्चुअल बेसिस, जितना अवेल किया उसके हिसाब से. अ स्टैंडर्ड कोट, कोट यानी ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन द बजट इज प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअल कॉस्ट इज एलोकेटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रेनिंग सेशंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट. यहां पे उल्टा पुल्टा हो रहा है, दिस इज नॉट समथिंग गुड. शुरू में बात होती है बजटेड पे और बाद में कॉस्ट डालते हैं एक्चुअल पे. ठीक है, मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर इज बजटेड ट्रांसफर प्राइस. स्टार्ट ऑफ द ईयर यू आर टॉकिंग अबाउट बजटेड ट्रांसफर प्राइस, बट एंड ऑफ द ईयर एट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस. नाउ इफ यू रिमेंबर, ट्रांसफर प्राइस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कुछ और था. उसका ऑब्जेक्टिव था कि यहां पे जो आपके डिफरेंट डिविजन्स मैनेजर होते हैं वो लोग कितने काबिल हैं. तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, ट्रांसफरर को भी कुछ प्रॉफिट दिलवा देते थे कि उसको ये नहीं लगे कि हम फ्री का कर रहा है, और इनको भी ये नहीं लगे कि सब चीज फ्री का मिलता है. अब अगर बजटेड पे प्लानिंग किया गया था, बाद में एक्चुअल पे डाल देगा तो हो सकता है एक्चुअल बहुत ज्यादा हो गया तो. और यहां का मेन मुद्दा यही है, यहां पे जो इशू है वो यही है. दिस इज ओनली द इशू हियर, इफ आई विल से, यही इस सम का मेन इशू है कि भैया बात तो सारा बजट पे करके जाते हैं आप, और डालते समय कॉस्ट फिर लास्ट में एक्चुअल पे डाल देते हैं. यही यहां का मेन इशू है. यही यहां का मेन इशू है. ईच ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट यूज द ट्रांसफर प्राइस टू प्रिपेयर देयर इंडिविजुअल बजट्स. देखिए, अब डिपार्टमेंट के एंगल से सोचिए, आप ही वो कस्टमर सपोर्ट हो या कंसल्टिंग हो, आपने अपना बजट उसी ट्रांसफर प्राइस के हिसाब से तैयार किया. दैट फर्दर गेट्स बिल्ट इन टू देयर प्राइसिंग मॉडल्स एंड फॉर बिलिंग देयर क्लाइंट्स. आप लोग अपने कस्टमर्स को बिल कर रहे हो, आप अपने यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट बजट के हिसाब से समझ रहे हो, और फिर उसके हिसाब से आप अपना कस्टमर को प्राइसिंग करो. नो, वन ऑफ द मेट्रिक फॉर मैनेजर अप्रेजल इज ऑल्सो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट. मतलब आप अपने फिर डिविजनल मैनेजर्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हो बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम. ठीक, हेंस मैनेजर्स ऑफ बोथ कंसल्टेंट एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस. क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा तो उनके आगे प्रॉफिट कम हो जाएगी, तो उनका परफॉर्मेंस कम रिपोर्ट होगा, तो इंसेंटिव घट जाएंगे इनके. लॉजिकल लग रहा है सारी बातें. नाउ अब देखो यहां पे क्या हुआ. ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का 2017 का इन लोग डिटेल बता रहे हैं. बजट में कॉस्ट है 29,60,000, एक्चुअल में कॉस्ट देखिए भाग गया. मतलब ये तो छोड़िए, नहीं बोलेंगे, ये सब अजीब अजीब वर्ड हम लोग कई बार सीखे हैं लोकल लैंग्वेज में. एक वर्ड होता है भपौती, सुने छोड़ो ना, जो नहीं सुने क्या क्या, वो समझाने का शक्ति नहीं अपने में. अब भपौती एक वर्ड होता है, तो भपौती पारक है. 29,60,000 बजट किए थे, और मतलब भपौती मतलब समझ लो कोई फोकट का चीज है, जैसे कि कुछ भी, मतलब कोई अपने तरफ से कोई जब प्रयास ही ना करे उसको बोलते हैं भपौती. जैसे अपने बोलते हैं ना, अपने
खाना नहीं भाता छोड़ देते, क्यों? पिताजी की भपोती है। अब छोड़िए, अब ये सब वर्ड आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। 29,60,000 और 38,25,000 देख रहे क्या डिफरेंस, लीप देख रहे हैं? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट तो मस्त मौला है, अपने को क्या एक्चुअल चार्ज करने का है, बजट पे बोलने का है और एक्चुअल चार्ज करने का है। और वो लोग का तो पूरा फाइनेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक्चुअल पे इतना हाई कॉस्ट चार्ज करोगे तो देर विल बी लॉट ऑफ ट्रबल। कंसल्टेंट एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स आर चार्ज्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस एक्चुअली अवेल्ड। डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग सेशन देखिए, सोचा था 100-100 और एक लफड़ा देखना, कंसल्टेंट ने तो 100 लिया, कस्टमर सर्विस 80 लिया। अगर आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रेट और ज्यादा आ जाएगा। इंपैक्ट सोचो, लेसर ट्रेनिंग, लेसर सेशंस इज इक्वल टू एवरेज, हायर एवरेज रेट, हायर एवरेज रेट पर सेशन। यहां पे सब्सटेंशियल डिविएशन, मतलब चिड़ मच रहा होगा मेरे हिसाब से कंसल्टिंग और कस्टमर सर्विस को यहां पे, कि भाई ऐसा क्या हम लोग को सिखा रहा है, बपोती है। हम लोग देने वाले तो भैया जहां तक ट्रेवलिंग कर रहा है क्या? देखिए तो क्या हुआ, अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट पे ज्यादा हुआ, सैलरीज ज्यादा हुआ, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जो तो सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अपने मन से अटेंड किए जा रहे हैं, टेलीफोन भी घुमा रहे हैं बेटे लोग, सप्लाई भी ज्यादा ले लिया, खुद ही 20,000 का ज्यादा खाना खा लिया। अरे अब तो जब हम ही को उठाना है तो हम सारा ही देखेंगे कि क्या चीज का इतना ज्यादा लग रहा है तुम लोगों का। अब देखिए समस्या, समस्या देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्वेश्चन, आई लव्ड टू रीड इट एंड सो मच ऑफ इन लव ऑलरेडी टू शेयर इट विथ यू। देखिए कितना बढ़िया भी बात बोलेगा। इन अकॉर्डेंस विद अवर एक्सप्लेनेशन, ऐसे मत करो, द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कोटेड अ रेट ऑफ 14,800 पर सेशन। क्वेश्चन को समझिए, 14,800 पर सेशन कैसे आया? वर्किंग देखो, 29,60,000 डिवाइडेड बाय 200, थोड़ा सीख लीजिए, यहां पे कैलकुलेशन है, 29,60 डिवाइडेड बाय 200, 14,800, तो वही बोल रहा है। इन अकॉर्डेंस विद अबव ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कोटेड अ रेट ऑफ 14,800, व्हाट इज दिस? बजटेड ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन बजटेड कॉस्ट एंड बजटेड सेशन। एक्चुअल कॉस्ट कितना आ गया? 21,250। ये कैसे आया देखिए, वर्किंग करिए, 38,25 / 180, ये आ गया एक्चुअल कॉस्ट पर सेशन। कॉस्ट ओवररन इज 6,450, अ जंप ऑफ 44% फ्रॉम द ओरिजिनल कोट। कॉन्सिक्वेंटली अ मीटिंग वॉज कॉल्ड दैट वॉज अटेंडेड बाई मैनेजर्स ऑफ कंसल्टेंट कस्टमर सर्विस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द सीईओ यश। द यूजर डिपार्टमेंट वेयर अनहैप्पी, हो गई विद द हायर चार्ज। मैनेजर ऑफ द कंसल्टेंट रेज द फॉलोइंग कंसर्न, ये देखिए यहां पर अब हम लोग कंसर्न रेज कर रहे हैं। मैनेजर ऑफ विच डिविजन? कंसल्टेंट डिवीजन के मन की बात सुने, मार्केट रेट फॉर सिमिलर ट्रेनिंग इज ओनली 12,000 पर सेशन। आई एक्सेप्टेड हायर रेट ऑफ 14,800 ओनली बिकॉज इन हाउस कैन बी मोर कस्टमाइज्ड। हाउएवर इफ दे आर गोइंग टू चार्ज मी 21,250, आई वुड रैदर सोर्स इट फ्रॉम आउटसाइड वेंडर। सही बात है। और ये ट्रांसफर प्राइसिंग में मैंने आपको हर सम में ही बताया, यहाँ पे मेन कॉन्फ्लिक्ट ही यही है कि हमेशा एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को चमकाता है, हम बाहर से ले लेगा, हम तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है। तो वही हुआ ना, बाहर का रेट जब 12,000 है और आप 21,250 चार्ज करोगे तो ये बोलेगा हम बाहर से जाके सीख के आ जाएंगे, आप क्या खास सिखा रहे हो मेरे को। फर्दर ही पॉइंटेड आउट दैट इसका डिपार्टमेंट है ना, 100 का 100 ट्रेनिंग लिया, आप देखो कंसल्टेंट वाला का 100 का 100 लिया, जबकि ये कस्टमर सर्विस वाला ट्रेनिंग कम लिया, तो कम लिया तो रेट और ज्यादा आ गया ना। डिवाइड बाय 200 होता, 38,25 / 200 होता तो रेट कम आता। ये कस्टमर सर्विस भी गया गुजरा है, ये लोग ट्रेनिंग पूरा लिया नहीं,
इसलिए ये 20 लेसर सेशन का कॉस्ट भी हम क्यों उठाएं? उसने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, उसका लोड मेरे ऊपर आ रहा है. पॉइंट है, ही क्वेश्चंस व्हाई ही शुड बियर अ हायर कॉस्ट ऑफ एलोकेशन ड्यू टू वेरियंस इन एक्चुअल एंड बजटेड यूसेज ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, अब दूसरा भी बोलेगा, मैनेजर ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सप्लेन दैट. वो अपना जवाब तो पुट अप करेगी ना, करेगी है, यहाँ पे शी है. वो बोल रही है कि 20 हम क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि हम लोग हाई प्रायोरिटी वर्क हैंडल कर रहे थे क्लाइंट लोग का. तो ट्रेनिंग लेते कि प्रायोरिटी वर्क को करते, कंपनी का फायदा ही सोच रहे थे इसलिए ट्रेनिंग नहीं लेने गए. तो यहाँ पे बोल रहा है हाई प्रायोरिटी वर्क प्रेशर दैट डिड नॉट अलाउ देम इनफ टाइम टू कंप्लीट सम ऑफ द ट्रेनिंग सेशंस. At the same time, she also contended that she should not be charged for those 20 sessions at which no training was availed. जब मैंने लिया ही नहीं तो मेरे को उसका चार्ज क्यों करते हो? ठीक, अब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर भी तो बैठा है, वो भी बोलेगा कि मेरा 5 लाख रुपया तो सैलरी के कारण गया, नया ट्रेनर आया बोल के, उसका एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है कंपनी के लिए एंड उसको लाना जरूरी था. कंपनी को ऑफर करना पड़ा हायर पे स्केल. डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट भी 3 लाख से ज्यादा हुआ क्योंकि वो इक्विपमेंट का एज हो गया था और एक नया सॉफ्टवेयर खरीदा था 25,000 का और बाकी तो नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट है जो कंट्रोलेबल नहीं था. आप उन भी क्या करें, सबका अपना अपना पॉइंट, आप समझिए. अब आप यश या आप ही हैं, आप ही को कंपनी चलाना है. अब यश द सीईओ was understandably not happy with the cost overrun. Higher internal transfer price to the end user department would affect employee morale. However, even though a cheaper option was available from outside vendor, he could still foresee that the value of investing in-house training programs, intangible benefits from these customized sessions will definitely help the company's growth. Unko ye belief hai, apart from the cost overrun, CEO believes कि इन हाउस का बहुत वैल्यू है. CEO believes इन हाउस इज valuable, बट स्टिल ही इज नॉट हैप्पी विद द कॉस्ट overrun, नॉट हैप्पी विथ इंक्रीज इन कॉस्ट. करेक्ट, समझ गए क्या क्या समस्या आता कंपनी चलाने के लिए? अभी तक आप लोग को अगर यही लग रहा है कि क्या क्वेश्चन आया, क्यों आया, मेरी जिंदगी में क्या पढ़ाई आ गया, तो आप बहुत बुरा फंसेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सिलेबस में. आपको ऐसा ही सोचना है कि कंपनी चलाने की समस्या क्या है. और स्टार्टअप तो आप में से ही कोई लोग कर रहे हैं, ये यश जैसा आप में से कोई होगा. और इतना बड़ा बड़ा आइडिया लेके बड़ी बड़ी कंपनी बना लेते यंग एज में, संभालना भी तो आना चाहिए. वो तो सुनहरा मौका है कि ये सब पढ़ाई करने को मिल रहा है. अब करना क्या है उसके बारे में क्वेश्चन ने यहाँ पे बहुत डिटेल बताया है, तो आप फंसेंगे नहीं आंसर करने में. टू कंक्लूड, ही वॉज नॉट विलिंग टू शट डाउन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल ट्रांसफर प्राइस इन एन एमिकेबल वे लाइक प्रॉफिट्स. टीम वर्क इज क्रिटिकल टू सक्सेस. यही होता है लीडर. लीडर जल्दी से कॉल ऑफ नहीं करता कि सब बंद कर दो. वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, नया लीडर होता है सबको लेके चलना है. Required is identify the threats to goal congruence due to internal transfer pricing. यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है, threats मतलब issues, आपको issues बताने, आपको issues बताने. Correct, issues यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है, जैसे solution में आइए part one. ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मे नॉट बी मैनेजिंग इट्स कॉस्ट एफिशिएंटली. मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूं. तो उनको ये फील हो सकता है कि ये कैजुअल हो गया, सारा कॉस्ट हम लोग उठाते हैं बोल के कैजुअल हो गया, तो दिस में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. अदर्स फील दैट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट is casual. दूसरा, यहां पे आप financial performance से ही इनका incentive link किए हुए हो. यहां पे एक line था ना, performance incentive आपको finance के हिसाब से मिलेगा, तो ये भी एक danger होता है. ये लोग quality पे कम काम करेंगे.
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यू कैन राइट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन, ये पूरा पैराग्राफ के लिए बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। एंड अभी क्या सिनेरियो है, अगर ये यश रिजॉल्व नहीं करेगा तो क्या होगा, आप सोचो। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वाला अपना सारा कॉस्ट एक्चुअल वाला इनके ऊपर चार्ज कर देगा, जबकि ट्रेनिंग का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो जिम्मेदारी किसका है, ट्रेनिंग का ही है, बट ट्रेनिंग वाला तो सारा कॉस्ट इन पे डाल देगा। तो होगा क्या, अगर इफ यू डोंट फाइंड द सोल्यूशन, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स विल बी कंसिडर्ड ऑन, विल बी कंसिडर्ड ऑन एलोकेटेड कॉस्ट। जो हम लोग बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल होता है। अगर ट्रेनिंग का सारा कॉस्ट आप डाल दोगे तो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट आप डालकर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन करोगे, वो गलत है। ये सब ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आते थे, यू शुड नॉट पुट एनी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इन द हेड्स ऑफ द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ठीक है, कोई भी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ना ट्रांसफरर पे डालना चाहिए, ना ट्रांसफरी पे डालना चाहिए, ना ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पे डालना चाहिए, ना कंसल्टिंग कस्टमर सर्विस पे डालना चाहिए। ठीक, और एक तीसरा बात यहां पे बोल रहा है, देयर इज अ नीड टू इंश्योर, यानी मस्ट इंश्योर दैट एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू बजटेड ट्रांसफर प्राइस। ये इश्यूज है यहां पर, मस्ट इंश्योर दैट एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस शुड बी इक्वल टू बजटेड ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, हो गया। अब आइए यहां पे, ड्यूरिंग द मीटिंग एन ऑल्टरनेट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी, देखिए क्या नाम है, बेस्ड ऑन टू पार्ट प्राइसिंग सिस्टम वॉज फॉर्मुलेटेड। आज का मकसद पूरा करना था ना, कॉस्ट वुड बी लिखा है पूरा आपका। देखो क्वेश्चन जेन्युइन हुआ ना आपको बचा देगा क्वेश्चन, आपको बस खाली लिख के दिखाना है। जेन्युइन क्वेश्चन ज्यादा प्रेडिक्ट करने नहीं बोलता, जो बोला वो करके दिखा दो बस। कॉस्ट वुड बी सेग्रीगेटेड इंटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैटेगरीज एंड अ ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच कैटेगरी वुड बी अराइव्ड बेस्ड ऑन बजटेड कॉस्ट एंड बजटेड यूसेज। द स्टैंडर्ड रेट फॉर फिक्स्ड कॉस्ट विल बी अप्लाइड टू द बजटेड ट्रेनिंग सेशंस एंड चार्ज टू यूजर डिपार्टमेंट। द स्टैंडर्ड रेट फॉर वेरिएबल कॉस्ट विल बी अप्लाइड टू, देखना ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रेट विल बी अप्लाइड। इसमें दो पार्ट होता है ना, ये पार्ट वन है फिक्स के लिए और पार्ट टू है वेरिएबल के लिए। वेरिएबल का मैंने क्या सिखाया था अभी टू पार्ट में, अभी बताया ना, टू पार्ट में क्या करते हैं, जो टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट है दैट वुड बी डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ सेशंस टू गेट द रेट पर सेशन फॉर फिक्स कॉस्ट। देन बजटेड वेरिएबल कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ सेशंस टू गेट द रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, बट इट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेशंस अवेल्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ट्रेनिंग सेशंस एंड चार्ज टू यूजर डिपार्टमेंट। फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी डिफाइंड एज दोज दैट आर नॉट डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस। सो कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस टू बी चार्ज टू ईच डिपार्टमेंट अंडर दिस मेथड। तो इन्होंने बहुत अच्छे से ही बताया, उसी कॉस्ट में देखिए दो कॉस्ट वेरिएबल है और बाकी सब फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है बाकी सब फिक्स्ड है। बजट एक्चुअल को, बजट को कॉपी किया, एक्चुअल दे लिया, बोली क्यों, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे करना है, सब कुछ बजट पे ही करना है। अरे कोई क्यों मानेगा आपका, कंपनी में आप कंसल्टिंग डिवीजन और कस्टमर डिवीजन से झगड़ा कर लोगे तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, वो लोग रेवेन्यू लाके देते हैं कंपनी को, ट्रेनिंग वाला रेवेन्यू नहीं लाके देता, ट्रेनिंग तो बस इन दोनों को ही ट्रेन करता है। तो आपको बजटेड पे ही सारा सिस्टम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सारा प्लानिंग बजट पे ही था। तो बजट को ही लिया, देखो एक्चुअल को नहीं लिया, नो यूज ऑफ एक्चुअल हियर, नो यूज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है, क्वेश्चन ने बोला सब बजट पे ही काम करना है। देखो यहाँ पे वापस पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या बोला, ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच कैटेगरी वुड बी अराइव्ड बेस्ड ऑन बजटेड कॉस्ट। तो खाली बजट को उठाया हमने, फिक्स वेरिएबल तोड़ दिया। ठीक, और वेरिएबल का देखो कितना है, 1.5 लाख, बाकी फिक्स हो गया, कितना हुआ,
29,60 में से 1.5 लाख माइनस करिए, ये अगर हो गया 1.5 लाख, कितना रहे 28,10,000। अब रेट निकाल लो, बजटेड सेशंस 200 थे क्या, तो 28,10,000 बाई 200 करो, 100-100 था ना, याद है दोनों का 100-100, 28,10,000 बाई 200 करिए तो 28,10,000 बाई 200 14,050, तो ये आ गया फिक्स रेट। देखो सब लिखा हुआ है यहां पे, ये रहा, और वेरिएबल का डिवाइड करो 1.5 लाख बाई 200, वेरिएबल का 1.5 लाख बाई 200 750, ये रहा 750, दिख रहा है। सो अगर मुझे कैलकुलेट करना है हाउ मच कंसल्टिंग डिविजन विल पे नाउ, हाउ विल आई कैलकुलेट, कैन यू हेल्प? फिक्स पूरा लमसम लग जाएगा ऑन द बेस्ड ऑफ बजटेड सेशन। फिक्स कितना देगा वो, ये देखिए यहां लिखा हुआ है फॉर कंसल्टिंग, कंसल्टिंग वाला फिक्स का 14,050 × 100 और 750 × 100, तो इतना रुपया देगा। और कस्टमर सर्विस कितना देगा, देखिए 14,050 × 100 प्लस ये ध्यान देना 750 × 80, फिक्स का बजटेड पे है बट वेरिएबल का एक्चुअल पे। और ये कैसे पता चला, लिखा है, क्वेश्चन जो लिखा वो फॉलो कर रहे, क्वेश्चन में पूरा लिखा है, रिक्वायर्ड क्या है वो लिखा है, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस देखिए टोटल कितना आ रहा है, 1480 ऐड करिए तो 1480 प्लस 1465 कितना हुआ, 2945, ठीक है। और एक्चुअल एक्सपेंस का टोटल है 3825, तो जो डिफरेंस है वो 880 है, वो अनएलोकेटेड है, कौन बियर करेगा, हु विल बियर, हाँ जी, अनएलोकेटेड विल बी बोर्न बाय ट्रेनिंग ओनली, विल बी बोर्न बाय ट्रेनिंग ओनली, जिससे उसको एहसास हो कि उसने ऐसा कैसे किया, मतलब उसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में नहीं लेना है, 880 को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में नहीं लेना है, दैट्स द सोल आइडिया, ठीक। अच्छा ये ट्रांसफर प्राइसिंग जो ये वाला सीखा टू पार्ट का, इसका वो रेफरेंस पेज नंबर बताएंगे मेरे को, वो पेज खोल के दिखाया था 9 पॉइंट क्या था, वहां से रेफर कर सकते हैं, वहां पे भी इसका रेफरेंस लिख दीजिए, उधर भी इसका रेफरेंस लिखिए, केस स्टडी का पेज नंबर लिख दीजिए। अच्छा वहां पे पूरा परफेक्ट आंसर नहीं था, फैक्चुअली वहां पे बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, उसके बारे में सबसे अच्छा यहां पे ही बताया। अब यहां पे बोल रहा है एडवांटेज क्या है इस सिस्टम का, ये एडवांटेज वहां पे नहीं था, एडवांटेजेस बता रहा है, एडवांटेजेस नंबर 1, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी कॉस्ट कॉन्शियस होगा, अब उसको झटका लगेगा, उसके ऊपर 880 आ गया ना, उसको झटका लगेगा, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वुड बिकम मोर कॉस्ट कॉन्शियस। दूसरा जो वो धमकी दिया जा रहा था ना 12,000 आउटसाइड से ले लेंगे, हाँ एक बार देखना अभी उसका रिजोल्यूशन कैसे हुआ, एक बार ध्यान दीजिएगा। यहां पे अभी जैसे कंसल्टिंग डिवीजन फिक्स लमसम कितना दे रहा है, 14,050 दे रहा है, तो ये 12,000 से ज्यादा है मानते हैं, बट फिर नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स अगर वो बजट तक अवेल कर लिया तो उसका 750 × नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो वो बजट में अवेल करा, वो उसके बियॉन्ड अवेल किया ना, सोचो उसको 101 नंबर ट्रेनिंग सेशन लेना है, बाहर जाएगा 12,000 लगेगा और यहां पे 750, तो उसके लिए भी एक इंसेंटिव होगा ना कि नहीं यार ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से ले लो, यहां 750 का ही बिल आएगा, बाहर से जाएंगे तो 12,000, ह्यूज डिफरेंस। ये बहुत अच्छा एनालिसिस था यहां पे कि इफ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग इज टेकन द ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड चार्जेस द यूजर ओनली अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 750 विच इज डेफिनेटली लोअर देन द एक्सटर्नल रेट।
और एक तीसरा ये जो आप अपने थ्रेट में लिखे थे, एक्चुअल प्राइस इज नॉट इक्वल टू बजट प्राइस, इस तरह का ट्रांसफर प्राइसिंग में आएंगे तो जितना से डिफरेंस था वो अनएलोकेटेड रह जाता है, तो वो अनएलोकेटेड पोर्शन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है. फिक्स एक्सपेंसेस दैट फॉर्म मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन बजटेड एंड बजट यूसेज, वेरिएबल आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज, एनी वेरियंस इन यूटिलाइजेशन डज नॉट इम्पैक्ट द अदर यूजर डिपार्टमेंट. तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा सा फेयर दिखता है, इज फेयर. है हिम्मत, छुट्टी छुट्टी क्यों कर रहे हैं, पढ़िए. अरे सुबह से क्या, आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं, 25 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, नहीं हुआ है, 22 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, ऐसे क्यों बोलते सुबह से पढ़ रहे. जैसे कभी हम लोग पापा से पैसे मांगने जाते थे ना, तो हमेशा डायलॉग देते थे, नहीं नहीं पिछला हफ्ता तो इतना लिया था, फिर उसका तो पूछे तुरंत बोलना शुरू करते थे, तो फिर खत्म नहीं होता था उनका कहानी, फिर वापस पिछला महीना भी तो दिया था, फिर पिछला साल भी तो दिया था, पूरा साल का हिसाब लेके बैठ जाते थे. तो हम लोग बोलते थे पूरा बचपन से भी बोलने लगेंगे, बचपन से कितना दिया था. एक और है, मैंने बहुत मेहनत किया उसको पढ़ने के लिए, हाँ, लेकिन मैं एक ही और पढ़ाना चाहता हूं, बस ये लास्ट है. 9 केस स्टडी इसमें दिया हुआ है. देखिए, आपको ये समझा दिया कि फ्लो कैसा होता है, और एवरी केस स्टडी इज न्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स. देखो आज मैं हूं, कल से मैं नहीं हूं इस चैप्टर में आपके साथ. एवरी केस स्टडी इज न्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो केस स्टडी का चैलेंज ही यही है, केस स्टडी का चैलेंज ही यही है कि इसको हैंडल कैसे करें. तो चैलेंज इज टू राइट इट, एंड राइटिंग एवरी आस्पेक्ट ऑफ केस स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो टू कंप्लीट इट इन ड्यू टाइम. इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग इट इन ड्यू टाइम, यू आर गॉन. केस स्टडी आंसर हैज गॉट नो एग्जिस्टेंस. नाउ स्पेसिफिकली आपको उनका केस स्टडी पढ़ना ही है जो टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है. जैसे जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है तो फिर भी आप आगे पीछे कर लेंगे. जैसे सप्लाई चेन, उतना इम्फेसिस इसके ऊपर नहीं होता था क्लास में, ये थ्योरिटिकल टॉपिक होता था जिसको व्हाट इज सप्लाई चेन में निकाल देते थे. अब उसके ऊपर केस स्टडी आ जाएगा तो आपका हालत खराब होगा. ऐसी काइजेन, उतना जोर नहीं था कि इसके ऊपर आप केस स्टडी हैंडल कर पाए. टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, खाली थ्योरी कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना बड़ा केस स्टडी. उसी तरह से आप आगे देखो, मुझे काइजेन वाला बताना है, बट उसकी तरह से आप बैलेंस स्कोर कार्ड, बट ये हैंडल कर लोगे, क्लास में आपको काफी सिखाया गया है, तो क्लास का भी काफी नॉलेज होने के कारण आप इसको संभाल सकोगे. दूसरा, बैलेंस स्कोर कार्ड के बाद देखिए परफॉर्मेंस प्रिज्म, ये आपके लिए नया है. तो न्यू केस स्टडीज अगर आप हैंडल नहीं करके गए तो यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज इट. परफॉर्मेंस प्रिज्म, इफ यू रिमेंबर, जैसे ही हेडिंग देखा तो फर्स्ट आपका ड्यूटी है वो परफॉर्मेंस प्रिज्म को एक बार पढ़ाओ, तो इसका केस स्टडी भी जल्दी क्लिक कर जाएगा. मतलब ये प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी है. एग्जाम में तो देखिए क्या आएगा ये हम आप नहीं जानते. तो परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या था मैं आपको बता देता हूं. इसमें स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने की बात थी, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन. मतलब परफॉर्मेंस मेजर में स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचा गया था. आप लिख सकते हैं अबाउट स्टेक होल्डर्स सेटिस्फेक्शन, वेदर योर कंपनी इज एबल टू केयर अबाउट योर स्टेक होल्डर्स और नॉट. नॉर्मली इसके पहले के जितने मॉडल्स थे वो सिर्फ शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स के ऊपर फोकस करते थे. यहां पे बोला गया हर पे फोकस करो, जो जो आपसे जुड़े हुए, जैसे कि इंप्लॉइज हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, जनरल पब्लिक हो सकता है, जो आपके कस्टमर नहीं है बट भविष्य में बन सकते हैं. तो परफॉर्मेंस प्रिज्म ये सिखाता था, प्रिज्म बना के दिखाया गया था आपको, छह फेस, उसके 5 फेस होते हैं.
उसमें यह सिखाया जाता था कि हर स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने का जरूरत नहीं है. क्लास क्लास वर्सेस मास बोला था मैंने. पहले आप अपना रेलिवेंट स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करिए, वो कितना आपका ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है उसको भी देखिए, करेक्ट, और फिर उसको क्या चाहिए उसको खोज के इंप्लीमेंट करिए. देखिए यहां पे आपको एक पॉइंट दिखा देते हैं कि देखिए यहां पे स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, स्टेक होल्डर का क्या कंट्रीब्यूशन, फिर क्या स्ट्रेटेजी लगेगा, फिर क्या प्रोसेस बनाने पड़ेंगे और क्या रिसोर्सेस चाहिए उनको खुश करने के लिए. ठीक है, जैसे अगर आप कल बोलेंगे सतीश सर हम लोग है ना बाहर आपका बिल्डिंग के नीचे चाय वाला के चाय पी रहे थे, वो बड़ा नाराज है आपसे, आप आके बोल रहे क्यों नाराज है मुझे नहीं पता. सर आपको कुछ करना चाहिए, एसजेसी का पब्लिक इमेज का सवाल है, परफॉर्मेंस प्रिज्म पहला सवाल ये रेज करता है, व्हाट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. आई एम हियर नॉट टू सेटिस्फाई ऑल. इफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेज अ डोमिनेंट रोल आई मस्ट, उसका चाय पे पूरा एसजेसी चल रहा है तो आई मस्ट गो एंड आस्क हिम व्हाट इज हिज नीड, एल्स आई एम नॉट बॉदर्ड. सिंपल सा बात है भाई, मतलब छोटा छोटा लोगों को पकड़ के लोके सोचोगे सेटिस्फाई करो. ये एक नया है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये इसी बुक में आया है, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोडक्टिव मेंटेनेंस चैप्टर 3 में था, शायद 3 या 2 में था, मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट में था क्या. TQM के भाई है ये पूरा. तो ऐसे नया टॉपिक जैसे मिला तो आपको पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, फिर उसकी केस स्टडी को पढ़ना है. एथिकल एंड नॉन एथिकल ये भी नया ही केस स्टडी है. इनफैक्ट यहां पे सारी नए नए दिख रहे हैं मेरे को, एथिकल एंड नॉन एथिकल. उसमें एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी केस स्टडी आएगा. अच्छा, वैल्यू चेन फिर भी आपके मैनेजेबल है, काफी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपको बताया गया था पूरा क्लास में अच्छे से, उसके ऊपर है, याद है क्या आपको. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस ईपीए क्या क्या कॉस्ट बताया था. ना हाँ नहीं, एक था कन्वेंशनल कॉस्ट रॉ मटेरियल और वेस्ट, दूसरा हिडन कॉस्ट, तीसरा कंटिंजेंट कॉस्ट, चौथा रिलेशनशिप कॉस्ट, मतलब रिपोर्ट बनाने का इनटेंजिबल कॉस्ट. यूएन वाला यूएन डिपार्टमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड देयर इज अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेबर एंड मटेरियल. ठीक है, आइए वो खत्म करते, काइजेन वाला खत्म करेंगे फिर छुट्टी. काइजेन आप मुझे 5 मिनट अगर पेशेंट रीडिंग देंगे तो मैं आपका काम खत्म कर दूंगा. नहीं, मैं चाहता हूं आप इसको खुद से रीड करिए, फिर मैं पूछूंगा कैसे रीड करना है. रीड कभी भी केस स्टडी खाली हाथ नहीं करेंगे, मार्किंग करते करते साइड में कमेंट्स लिखते लिखते कमेंट लिखते लिखते जिनके पास बुक नहीं हो यहां से पढ़ते जाए. सर कमेंट कैसे लिखें, सही बात है, तो आप वेट करिए, पढ़िए पढ़िए, देखें आपका क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो रहा है क्या. जल्दी, समय कम है. आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग कि आपको घर जाके आंसर्स लिखने हैं और खत्म कर दीजिए प्रिपरेशन कॉस्टिंग की, ये सब पर्टिकुलर चीजों को लेके. ऑब्वियसली उनको ही करना है जिनका सारा क्लास इसके पहले का हो गया है. केस स्टडी इज द समरी ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट यू आर स्टडिंग हियर.
करी 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 Zen Limited is a leading mobile manufacturing company and sells its mobile phone across the world. In a fast-changing technological environment, Zen has been able to maintain its leadership in the smartphone segment for third year in a row now. Though the revenues have grown year on year, the costs have increased at a higher rate in the mobile phone industry as a whole. We have been leaders in revenue. We must lead in cost reduction front as well. I believe we can achieve this with improvements over time, however minor they might be. ये माइनर वर्ड का जब आता है ना इंप्रूवमेंट, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट इज ओनली काइजन. छोटा छोटा इंप्रूवमेंट. एक एयरलाइन ने खाना सर्व करना शुरू किया था तो देखा कि सलाद जब वो सर्व करता है उसमें मेजर पैसेंजर ऑलिव को छोड़ देते. तो किसी ने आइडिया दिया ऑलिव डालना ही बंद कर दीजिए. माइनर इंप्रूवमेंट एंड द कंपनी सेव्ड लैक्स ऑफ डॉलर्स इन अ ईयर. उसी तरह से एक और एयरलाइंस में कभी जाएंगे ना, हर चीज में एयरलाइन का लोगो मिलेगा, हर चीज में. तो इवन एक एयरलाइंस का सीट के सामने है ना एक पैकेट रहता है जिसमें आप उल्टी करते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं ना तो उल्टी का मन करता है तो एक पैकेट पड़ा रहता है. मालूम है क्या ऐसा? नहीं. अरे टान के तो ऑक्सीजन मास्क आता है और टान के उल्टी करेगा क्या? बोलती है उल्टी करने ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? सीट के आगे में पड़ा रहता है. कभी प्लेन में बैठेंगे सारा सीट खंदूल के देखना क्या क्या निकलता है, तो एक पैकेट निकलेगा. और अगर वो प्लेन में पहले से कोई और आ रखे है तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि उसमें उल्टी किया हुआ है. थोड़ा सावधान रहना कि छू के ऐसे बस आंख बंद करके नहीं निकलना. तो वो पैकेट में एयरलाइन का बुद्धि देखिए, मतलब पब्लिक इमेज बनाएंगे, उस पर भी लोगो छपाता था. तो किसी ने आइडिया दिया भाई इस पे तू लोगो छपा के क्या ब्रांड इमेज बना रहा है, उसको हटाओ. एंड लैक्स ऑफ डॉलर्स वेयर सेव्ड. यही काइज़ेन है. छोटा छोटा इंप्रूवमेंट इफ इम्प्लाइड अप्लाइड कंटिन्यूअसली कैन ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज. फालतू चीजों को रोको. द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी हैज फॉलन फ्रॉम 10% टू 8% owing to rise in raw material and repair cost. Another significant rise in cost was on account of repairs of mobile phones which are under warranty. तो आपका significant rise हो रहा है mobile under warranty, मतलब आपके यहाँ का थोड़ा quality issues है. There was an increase in these repair costs by 1.5 crores which represent 1% of the total turnover. ये issue number one. Issue. Next, the process of repairs or replacement of under warranty product is outlined below. Company owned 200 repair centers in various cities in India. 200 repair center hai. A customer whose phone is under warranty and requires replacement repair visits any of the 200 centers to deposit the faulty mobile phone. Wahan jaake jama kariye. Technician at service center examines the phone and service center sends the phone to a centralized repair center at Mumbai. Phones are sent to Mumbai even for minor repairs, which can be done locally if requisite infrastructure is provided to the service center. This is another big issue. Samajh rahe hain? Issue. The phones are sent in batches. This is another big issue. Each service center creates 3-4 batches of mobile phone in a day. वो batches मतलब packet बनाते हैं और packet भेजते हैं. 3-4 batches in a day. एक बार में क्यों नहीं भेज सकते हो? A recent study showed that batches could be combined into a single batch in a day. Obvious सा बात था. The phones are repaired in Mumbai centralized centers and sent back to the respective centers for handing them back to customers. Phones which are repaired are sent in yellow, phir separate batches. This is fourth issue. Which are replaced are sent in separate batches. तो गजब issue लेके रखा हुआ है. Issue के साथ एक story हुई थी मेरे साथ. बताए थे?
मेरा एक इशू है ऑलरेडी, नहीं समझे? जो सुने थे उनको याद नहीं। बच्चा को बच्चा हुआ कि नहीं बोलते, इशू हुआ क्या? तो यहां पे कितने इशू है? 4 इशू है। नेक्स्ट, आइए देखिए लास्ट। यू आर वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर इन ज़ेन। खत्म हो रहा है। फाइनेंस डायरेक्टर हैज अप्रोच्ड यू टू अंडरस्टैंड वेदर द माइनर इंप्रूवमेंट वुड बी यूजफुल गिवन द साइज ऑफ द कंपनी। फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड यू टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ वारंटी रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट एंड सबमिट अ रिपोर्ट कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट। वॉट इज सी ओ रेफरिंग टू वेन ही सेज माइनर इंप्रूवमेंट? What is referring to? Kaizen. तो Kaizen के बारे में बताना है और what are the benefits of such improvement? इसका answer है Kaizen और इसका benefits बताना है। अच्छा, benefits यहां पे बताना है, यहां पे Kaizen को explain भी करना है। और जब भी explain करे ना, तो with example अगर आप करें तो बहुत effective होता है। मतलब आपका एक्सप्लेनेशन का क्वालिटी जो बढ़ता है वो एग्जाम्पल से बढ़ता है। जो मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दिए एयरलाइन वाले, वैसा ही कुछ एग्जाम्पल। नाउ अप्लाई द अवर प्रोसेस, ये एप्लीकेशन बोल रहा है, अप्लाई द अवर प्रोसेस टू वारंटी क्लेम एंड एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव्ड। जैसे छोटा सा मॉडिफिकेशन खाली यही कर सकता है ना कि मल्टीपल बैचेस नहीं करके सिंगल बैच कर लो, कम से कम कंसाइनमेंट का कुरियर चार्जेस तो बचेगा। स्मॉल स्मॉल चेंजेस देयर, बट इट इफ अप्लाइड एवरी डे, इट इज अ डेली अफेयर, इफ अप्लाइड एवरी डे इट कैन ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज। दैट इज ओनली काइजन। एक एक करके काइजन से रिलेट करके बताना होगा। काइजन का एक और कॉन्सेप्ट होता था जिसमें हम लोग बोलते थे इंप्लॉई पार्टिसिपेशन लीजिए, उन लोगों से सजेशन लीजिए क्या करना चाहिए। इफ यू डोंट कोलैबोरेट विद इंप्लॉइज देयर इज नो काइजन। सो इवन यहां पे एक इशू का सोल्यूशन खुद ही ये लोग बता रहा है कि माइनर रिपेयर के लिए भी मुंबई भेज देते आप, अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देते तो वो इंप्लॉई वहीं पे सॉल्व कर देंगे। तो यू शुड प्रोवाइड। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर बीपीआर में मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि लेट द कस्टमर्स डू सम वर्क दैट यू वॉन्टेड टू डू। तो यहां पे एक और पॉइंट है ना, एनी अदर मैटर, इसमें हम लोग बीपीआर टीक्यूएम ये सब सजेस्ट कर सकते हैं। खाली काइजेन क्यों? आपका इतना क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, 1% ऑफ टर्नओवर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे इनकर कर रहे हो, आपको री इंजीनियरिंग सोचना चाहिए। और कुछ मैनुअल माइनर रिपेयर तो कस्टमर ही कर ले, सर्विस सेंटर पे आना ही ना पड़े। आप एक कॉल सेंटर बैठा सकते हैं जिसपे फोन पे रिपेयर करना सिखा देगा वो। और आजकल का तो एजुकेटेड क्राउड है, सभी सीख जाते हैं खोलना वोलना बैटरी वैटरी। आप लोग क्या करते हैं पता नहीं, मैं तो मोबाइल आते ही पहले बैटरी लगा के बैटरी वापस खोलना सीखता हूं। मोबाइल फोन खोलेगा कैसे? क्योंकि छोटा छोटा चीज के लिए सर्विस सेंटर थोड़ी दौड़ेंगे। हाँ, आजकल तो अलग आने लग गया, मानते हैं। वो भी एक तरह का वो ही है, यू कैन से वैल्यू इंजीनियरिंग बोलेंगे हम इसको, वैल्यू इंजीनियरिंग। कि बैटरी एक्चुअली अंदर में कितना छोटा सा है कितना बड़ा सा अपने को पता ही नहीं, वो खोलने का सिस्टम ही हटा दिया तो वैल्यू इंजीनियरिंग हो गया। नैनो सिम इज एग्जांपल ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। इतना बड़ा सिम में प्लास्टिक तो ज्यादा जाता ही था, माइनर इंप्रूवमेंट का एग्जांपल आप बता सकते हैं। नैनो सिम इज एन एग्जांपल ऑफ माइनर इंप्रूवमेंट। कितना छोटका सा सिम बना दे खाली चिप। ये एयरलाइंस वाला एग्जांपल वगैरह सब यहां पे इससे मैंने उठा उठा के आपको बताया। एयरलाइंस एग्जाम्पल्स ऑफ एयरलाइंस, ऑलिव वाला और उल्टी बैग, उल्टी वाला बैग पे लोगो छाप रहा है, उल्टी बैग, नैनो सिम, ये रहा। सर एक बार के लिए हम लोग लगा कि आप अपना इंटेलिजेंस से बता रहे हैं, यहीं से आप टिप टिप के बता रहे हैं। ये एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। ये लोग बहुत ज्यादा कहानी लिखा है,
अति कहानी लिखा है, बट ये पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ के, सिस्टम बोल रहा है पढ़ लीजिए पूरा, फिर वापस लिखिए और अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए हर केस स्टडी का। एटलीस्ट ये 7 केस स्टडी का बना सकते हैं। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे आपको केस स्टडी का नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें और भी केस स्टडी क्वेश्चंस डाले हैं और मैंने ये लिखा है ना तो थोड़ा सिंप्लीफाइड है। आप देखिए इसका साइज अननेसेसरी लंबा लंबा नहीं है, अननेसेसरी नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही बनाया है, एकदम एकदम भी शॉर्ट नहीं रखा, वरना तो फिर और शॉर्ट हो जाता आंसर आपका लिखने में, आप भूल ही जाते, तो थोड़ा उसको डिटेल रखा गया है, बट जिस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये यहां पे कितना है, 13 है क्या, 14 केस स्टडीज और हैं। तो ये 14 and 9, 23 इफ यू डू, आई अंडरस्टैंड कि 25 मार्क्स यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। So with this, we are for the time being concluding our extra classes of new syllabus, and with time, if or amendment की जरूरत पड़ेगी तो ये आपको online medium से दिया जाएगा। मतलब आपको harass ये नहीं करेंगे कि यहीं आ आके करना है, because I understand कि with time you will get more busy in your other tuitions and other schedule of your final exam. So again coming back to do same things again, फिर आपको लगेगा कि ये लूप चल रहा है पढ़ाई का, कि वापस कॉस्टिंग में चले गए, ऐसा नहीं होने देंगे। तो जो एड ऑन आते जाएंगे वो आपको अलग से बताएंगे। हालांकि एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड है कि एक पीएम आएगा, तो पीएम आएगा तो वापस रिव्यू करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कुछ और बताने तो वो बताने की क्लास की जाएगी। और आप लोगों से भी एक ये मतलब एक्सपेक्टेशन है हमारा कि आप खुद से बीपीएम जैसे ही आएगा तो एक दिन का समय निकालेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली फॉर माई सब्जेक्ट, रिव्यू करेंगे कि जो आपने पढ़ा वो कवर हो रहा है कि नहीं। आपको अगर लगता है कुछ एक्स्ट्राज है तो आप आइडेंटिफाई करके फीड फॉरवर्ड करिए, सो दैट आई कैन अपडेट मोर। हो सकता है आपको लगे कि सर ये भी बता देते तो अच्छा रहता। और एक बात कि जैसे 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 हो सकता है आप May 18 में एग्जाम नहीं दे रहे, जैसे जैसे एग्जाम होगा नया सिलेबस का, मेक श्योर कि आप उसके क्वेश्चन पेपर्स, उसके मॉडल टेस्ट पेपर्स और उसके सजेस्टेड आंसर्स से अपने आप को अपडेट कर लेंगे। और नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, इट इज रिक्वायर्ड वेरी मच फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। भले ही इंस्टेंटली नहीं कर पाए, बट जब भी पढ़ने बैठेंगे मेक श्योर कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हो। और ये जो मैंने बुक में पूरा मार्क किया है, ये बुक हम लोग जब ऑनलाइन कोर्स इसका बनाएंगे तो उसमें आपको एक्सेस वापस देंगे। जैसे ये सारा आज भी तो आपने एक बार सुन लिया मेरे साथ, बट अगेन देर आर चांसेस कि ऊपर से कुछ कुछ निकल गया होगा, क्योंकि लैक ऑफ टाइम, कभी कभी एब्सेंस ऑफ माइंड, बोथ वर्क्स समटाइम्स ऑल एट वंस, सो कुछ कुछ ऊपर से गया होगा। तो यू विल गेट an online access also to these videos so that you can redo it at any point of time, and there I will make all schedule chapter wise ki chapter 1 ka class kaun kaun sa hai, chapter 2 ka kitna class hai, jaisa hamara originally jo classes hua wo 2.5-3 ghante karke hua, but videos ko fragment kar denge hum log alag alag part mein, jitna ho sake usko split up kar denge jisse ki aapko छोटा छोटा वीडियोस में उसको एक्सेस करने को मिलेगा। और कुछ अगर हम लोग नए बैच में नए सिलेबस को लेके अपडेट कर रहे होंगे उन्हें, तो वो भी क्लिप करके उसी में अटैच करते जाएंगे, सो दैट बाय द टाइम योर एग्जाम कम्स यू आर ऑल फुल्ली अपडेटेड। एंड ये बुक हम लोग वेबसाइट पे मैं एक दो दिन में डाल दूंगा, तो आप इसका सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख सकते हैं। जो लोग बिना बुक के थोड़ा क्लासेस किए वो लोग जैसे ये बुक मिल जाता है आपको अपना, आप उस बुक को देख के, इस बुक को देख के मार्किंग वार्किंग का काम खत्म करेंगे। इंस्टीट्यूट से एक और खबर यह मिला है कि ये लोग टाइम टू टाइम सॉफ्ट कॉपीज को अपडेट कर रहा है। हालांकि बुक प्रिंटिंग हो चुकी है जो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है या आप जो खरीद रहे, बट टाइम टू टाइम पीडीएफ अपडेट हो रहा है, तो रिव्यू तो कर रहे, कभी आपके नजर में कुछ आ जाए तो आप भी अपडेट करिए, जिससे हम लोग बाकियों को सबको अपडेट कर पाए। कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे स्पेसिफिकली न्यू कोर्स वाले, खाली ऐसा ना सोचे कि यही फुल एंड फाइनल है, अभी आगे भी और भी रिश्ता बना ही रहेगा। चलिए, थैंक यू।